ओगेदा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या आप आज भी कुछ नया सीखने के लिए तैयार है क्या? देन लेट द जोश बी बैक। क्या बात है लाइव वाला पब्लिक, कैसा है आपका जोश बताओ मुझे जरा, मेरे से ज्यादा है या कम? ज्यादा तो होने नहीं दूंगा मैं बॉस, ठीक है, जोश फैक्ट्री। चलो गाइस, सो लेट द गेम बिगिन। हाय अरिफा, अहुजा जी, रश्मि, हर्ष, स्मृति, मानसी, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कल भी क्लास है सुबह 8 बजे, पहले ही बोल देता हूं, तुम लोग का जोश हाई होगा बट मेरा वेरी 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 हाई है। डेयर यू गाइस बीट माय जोश एवर, ये मैं होने नहीं दूंगा। नहीं, तुम्हारा जोश मेरे से हाई हो ये हो नहीं सकता, तुम्हारा मैं अपना जोश तुमसे कम हूं ये मैं होने नहीं दूंगा। वाओ, व्हाट अ बैड जोक। हाँ सचिना जी, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे। अच्छा सुनो, एक बात बता दूं मैं, मेरे गूगल ड्राइव वालों, लाइव वालों, सब लोग, तुम लोग को एक व्हाट्सएप का क्लैरिटी दे दूं। व्हाट्सएप है ना, मेरे को एवरी डे मिनिमम 200 मैसेजेस आते ही है, बिकॉज सीए फाइनल एसएफएम है, सीए फाइनल एससीएमपी है, सीए इंटर कॉस्टिंग है, सीडब्ल्यूए के बैचेस है, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली इतना 200-250 मैं पर्सनली नहीं रिप्लाई कर पाता हूं, तो कुछ मैसेजेस अनरेड रह जाते हैं। तो आप ऐसा ना सोचिएगा या अनसीन रह जाते हैं, या कई बार देख के भी रिप्लाई नहीं कर पाते, टाइम नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि अरे यार ये देखो सर तो रिप्लाई नहीं कर रहे, सर का एटीट्यूड है। नहीं, एटीट्यूड खाली बच्चों में होता है, प्रोफेसरों में कोई एटीट्यूड नहीं होता है। मेरे में तो 1% का भी एटीट्यूड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो आपने अगर मुझे मैसेज किया और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप पूरा ना मानिएगा, खफा ना होइएगा, आप मुझे वापस एक रिमाइंडर भेज दीजिए। आप रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 जितना भेजना है भेजिए, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मुझे गुस्सा करना आता ही नहीं है। ना ही आप ऐसा सोचेंगे कि अरे सर को इतनी बार कैसे परेशान करे, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आइडियली मेरे को रिप्लाई करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया बिकॉज आई टोल्ड यू द रीजन। सो ऐसा सिनारियो है। यस, टुमारो 8 AM लेक्चर इज देयर, मेक इट बी इट वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। सो ऐसा सीन है। हाँ हाँ, मैं करूंगा एंड तक, जब तक तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हारे व्हाट्सएप का रिप्लाई करूंगा, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, बड़े लोग बन जाएंगे, बट जब तक आप नहीं बनते हैं तब तक हम रिप्लाई करेंगे। हाँ, हो सकता है मेरे से मिस हो जाए, तो प्लीज आप मुझे रिमाइंडर 1, 2, 10 रिमाइंडर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल SCF SFM नहीं है, खाली SCMP है सुबह 8 बजे, ठीक है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, अपन लोग ने कल स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलमोस्ट लास्ट 10 अटेम्प्ट में एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है जब ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, इसके लिए मैं ये पहले करवा रहा हूं, बिकॉज थोड़ा हाई लेवल का चैप्टर है, कल पता चली गया होगा आप लोग को, एंड एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये चैप्टर के ऊपर अच्छा ग्रिप हो। सो अपन लोग ने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने आप लोगों को बोला था यार देखो कोई भी चीज करना है ना तो उसमें ना जो थीम होता है ना, दैट थीम इज ऑलवेज बिजनेस। मतलब मैं जितने भी 11 के 11 चैप्टर जो आप लोगों को करवाने वाला हूं SCMP में, सब मेरे लेक्चर्स में, सब मेरे चैप्टर के बिगनिंग में मैं एक ही चीज बोलूंगा, बिजनेस के एंगल से सोचो, एक बिजनेस मैन के एंगल से सोचो, एंड काम आप लोग का काफी आसान हो जाएगा। तो अपन लोग ने यहाँ पे देखा कल कि जब कोई बिजनेस चालू करता है तो उसका एंड मोटो होता है कि वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाए, बहुत सारा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कमाना है, देन इन दैट केस क्या होता है प्रॉफिट, बेसिकली सेल्स माइनस कॉस्ट, बराबर है। एंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल यही तो है, टू असर्टेन द कॉस्ट, टू असर्टेन द सेल्स, टू असर्टेन द कॉस्ट, टू असर्टेन द सेल प्राइस। सो अगर ऐसा सिनारियो है, देन इन दैट केस डेफिनेटली ये सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, ये सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए वी विल रिक्वायर टू थिंग्स। तो एक होता है एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस और दूसरा होता है इंटरनल सेलिंग प्राइस, करेक्ट। एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस जो है That is based on my market price. भाई वो तो external, मतलब market को ही तो बेच रहा हूं, तो वो तो मेरा सीधी सी बात है कि market को जो बेच रहा हूं उसको external selling price है। But
अपने को ये वाले सिलेबस में, फाइनल के सिलेबस में पढ़ना है कि अगर मैंने मेरे इंटरनल डिवीजन को कुछ ट्रांसफर किया तो वो मैं जो प्राइस पे ट्रांसफर करूंगा देवी और सज्जनों, उसको कहेंगे ट्रांसफर प्राइस, उसको कहेंगे ट्रांसफर प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? बोलो बोलो, चल चल। सो दैट बेसिकली इंटरनल सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। फिर मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दिया अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। सो से फॉर एग्जाम्पल मिल्क डिविजन है एंड कर्ड डिविजन है अमूल का, तो वो अपन लोग ने एक बेस पकड़ के चला, करेक्ट। सो अगर मिल्क डिविजन कोई भी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करता है कर्ड डिविजन को, देन जो प्राइस चार्ज होने वाला है बाय द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी, बस एग्जैक्टली उसी को तो कहते हैं ट्रांसफर प्राइस, उसी को तो कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। समझा क्या पब्लिक? सो इन दिस सिनेरियो क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? एक है ट्रांसफरर, दूसरा है ट्रांसफरी, इन दोनों के बीच में जो प्राइस चार्ज होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। गॉट इट। डन। चलो तो ये समझ में आ गया। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने काफी सारे एग्जांपल्स लिए थे, तो एक तो मिल्क डिवीजन जब कर्ड डिवीजन को देगा, कर्ड डिवीजन जब बटर मिल्क डिवीजन को देगा, केपीएमजी का टैक्स ऑडिट वाला केपीएमजी को स्टैट ऑडिट वाले को देगा, एलएनटी सीमेंट एलएनटी इंफ्रा को देगा कुछ भी चीज, देन इन दैट केस इट विल बी द प्राइस दैट इज गोइंग टू बी चार्ज बेसिकली विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। द प्राइस दैट इज गोइंग टू बी चार्ज इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। ठीक है। एवरीबॉडी बोलते चलो, ठीक है। यस सर, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग, इसके पहले मैं आगे बढ़ू तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि एक हिस्ट्री है कि क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग एज अ चैप्टर आया अपने फाइनल के सिलेबस में। वो इसलिए आया बिकॉज 1995 के बाद इंडियन बिजनेसेस स्टार्टेड एक्सपांडिंग एंड एक्सपांडिंग इन सच अ वे कि उन्होंने अपना जो सेंट्रलाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरी तरह से बंद करके डिसेंट्रलाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ले आए। एंड जब वो डिसेंट्रलाइज लेवल हो गया तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे और वो मैनेजर पूरे डिविजन को मैनेज करेगा, क्योंकि एज अ ओनर आप तो सब जगह जा नहीं सकते। तो जब वो मैनेजर उस डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको कुछ मोटिवेशन चाहिए। क्या मोटिवेशन चाहिए उसको? कुछ ऐसा मोटिवेशन चाहिए जिससे वो और अच्छा काम करे। एंड देयरफॉर कंपनीज ने बोला कि भाई ठीक है, ये जो मैनेजर्स है और इनकी टीम है इनको हम बोनस देंगे। क्या करेंगे? इनको हम बोनस देंगे बेस्ड ऑन द सेल्स डन, बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। एंड दिस इज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन द डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन द डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो सीएलओ का स्कोप बढ़ गया, करेक्ट। तो अब यहां पे क्या हुआ कि भाई जो मैनेजर है, दोनों मैनेजर, जो मिल्क डिवीजन का मैनेजर है वो भी चाहता है मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं, जो कर्ड डिवीजन का मैनेजर है वो भी चाहता है मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं। तो दोनों को अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो ट्रांसफर प्राइस कैसे सेट करें? क्यों ये चाहेगा मैक्सिमम रखूं, ये चाहेगा मिनिमम रखूं? बस ये मैक्सिमम टू मिनिमम के गेम के लिए ही बुलाया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना रोल यही है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेंज between the minimum transfer price and the maximum transfer price, and that is what we will give to our client. And bas yahi apne ko pure ye chapter mein karna hai. Are we understanding guys? Because decentralized organization mein aap khali fixed salary nahi de sakte, aapko saath mein dena padega kuch variable pe. क्या होगा ये वेरिएबल पे? दिस वेरिएबल पे विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक कैसा आपका डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है। तो भाई मुझे टर्नओवर प्रॉफिट बढ़ाना है तो दो चीज से हो सकता है, या तो सेल्स का वैल्यू बढ़ाओ या कॉस्ट कम करो। बस ये चीज की वजह से ही ट्रांसफर प्राइस एज अ चैप्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, परफॉर्मेंस को फोकस रखा गया, एब्सोल्युटली राइट। सो सेंट्रलाइज लेवल पे पहले कॉस्ट सेंट्रिक हुआ करता था, अब उन्होंने प्रॉफिट सेंट्रिक कर दिया। एंड नाउ ऑल ऑफ अस नो हाउ इट वर्क्स। पहले क्या होता था, सब चीज कॉस्ट पे ट्रांसफर हो जाती थी, अब डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन प्लस प्रॉफिट सेंटर हो गया है। चलो समझू गुडू एवरीबॉडी? अब कल अपन लोग ने ये पूरा का पूरा सिस्टम किया था। एक सेकेंड मेरे को दोगे क्या? मेरे को एक सेकेंड देना मेरे को। यस, सो बात कुछ ऐसी है कि फिर अपन लोग ने देखा कि अच्छा तो अब यहां पे ट्रांसफरर डिवीजन और ट्रांसफरी डिवीजन
दोनों में एक फाइट होने वाली है, तो यहाँ पे ये फाइट को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया गया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। चलो चलो, सो लेट्स लेट द गेम बिगिन। नाउ लेट्स स्टार्ट कि अपन लोग ने तीन केसेस दी थी, तीन केसेस को अपन लोग ने यहाँ पे एनालाइज किया था, एंड दैट्स व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू फोकस ऑन। हाँ भाई, तो अपन ने देखा कि यहाँ पे अगर मेरे को ट्रांसफरर को ट्रांसफर करना है और ट्रांसफरी को रिसीव करना है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम ट्रांसफरर चाहेगा भाई जितना ज्यादा मैं बेचू, और ट्रांसफरी चाहेगा जितना कम में रखू। तो उस हिसाब से दोनों ने बोला कि ट्रांसफरर बोलता है यार देख मैं तेरे को ट्रांसफर करने को रहता हूं रेडी हूं, पर मेरे को मिनिमम इतना तो प्राइस चाहिए ही चाहिए। ट्रांसफरी बोलता है यार मैं तेरे को पैसा देने को रेडी हूं पर इससे ज्यादा मैं तेरे को नहीं दूंगा। सो दैट इज वेयर अपने पास तीन केसेस आए थे। पहले अपन लोग ने ये तीन बेसिक केसेस समझने की कोशिश की, और फिर बाद में एक हाई लेवल का क्वेश्चन किया, हाई नहीं हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन किया, मतलब क्या ही बोलू मैं। इस क्वेश्चन को अपन लोग ने सॉल्व कर लिया ना, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर वन, इसके ऊपर कोई चीज नहीं आ सकती। तो चलो आप लेट अस नाउ क्विकली डिस्कस द थ्री केसेस जो अपन लोग ने किए थे, एंड वो केसेस अगर डिस्कस कर लिए और उसका तुम लोग ने सही जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि यस तुम लोग को चीजें समझ गई है। अब लॉजिकली चैट बॉक्सेस पे तुम लोग मुझे बताओगे कब कब क्या क्या होने वाला है। लेट द गेम बिगिन। प्लीज मेरे को आप लोग बताते जाओ, सबसे पहला केस वन कौन सा था अपना, दोनों एक एग्जाम्पल किया अपन ने और एक क्वेश्चन नंबर वन किया। आप लोग मुझे बताओगे कि एग्जाम्पल वन हो या केस वन हो, अपना केस वन क्या था, बोलो बोलो। यस, कैन आई से सबसे पहला केस था फुल आइडल कैपेसिटी, करेक्ट। चलो सो ये मेरा पहला मैं केस लूंगा। अच्छा दूसरा केस क्या था, पार्ट आइडल पार्ट ऑक्यूपाइड, और तीसरा क्या था फुल्ली ऑक्यूपाइड। आप मुझे लॉजिकली सोच के बताओ क्या ये तीनों के अलावा और कोई स्कोप है क्या, क्या ये तीनों के अलावा और कोई भी सिनारियो सिचुएशन होने का स्कोप है क्या। द आंसर इज नो। या तो भाई फुल आइडल होगा या तो फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा या बीच का, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अपन ने तो तीनों केसेस कवर कर लिए, तो अगर अपन ने तीनों केसेस कवर कर लिए मतलब इन शॉर्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वी विल बी एबल टू मैनेज इट। क्यों ना अब उन तीनों केसेस को एक बाय एक फटाफट एनालाइज कर लेते हैं, सो दैट कॉन्फिडेंट रहेंगे अपन लोग आगे की चीजें सॉल्व करने के लिए। एंड हियर इज माय केस वन। द फर्स्ट केस इज, बोलो, एवरीबॉडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज फुल्ली स्पेयर कैपेसिटी, या इसको प्यार से अपन आइडल कैपेसिटी भी बोलते हैं, फुल्ली स्पेयर या आइडल कैपेसिटी। ए समझू एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा अब इसमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना रोल क्या है, उसके भी पहले इनफैक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्यों बुलाया है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है तब बुलाओगे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन जवाब देता है इसका। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस काम के लिए ट्रांसफर प्राइस के लिए कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुलाएगा, बताओगे फटाफट आप लोग। देखते हैं मानसी पूरा आंसर चाहिए, जय कुमार पूरा आंसर, एंड द फुल आंसर वॉज गिवन बाय पीयूष जैन। पीयूष जैन कहां से आप, सो पीयूष जैन फ्रॉम उज्जैन। सो यस डिसेंट्रलाइज्ड प्लस प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब एकदम रूट्स को पकड़ के रखो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक हुआ, देन इन दैट केस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज आएगा। अगर कॉस्ट सेंट्रिक हुआ या सेंट्रलाइज लेवल वाला हुआ तो सीए का जरूरत नहीं है, वो लोग बाय डिफॉल्ट कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं तो सीए का जरूरत नहीं है, तो रेंज वेंज आएगा ही नहीं। By default, ट्रांसफर डिवीजन अपना कॉस्ट निकालेगा उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, बात खत्म। बट अब बारी आ गई है मैनेजर्स की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो उन दोनों में देर विल बी निगोसिएशन, एक चाहेगा ज्यादा रखना एक चाहेगा कम रखना, एंड दैट इज वेयर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। ओके सर, अब इसमें फुल्ली स्पेयर या आइडियल कैपेसिटी जब होता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने को तो दो चीज, अपने को तो मेनली क्या फाइंड करना होता है, अपने को कैलकुलेट करना होता है रेंज, अपने को क्या कैलकुलेट करना होता है रेंज, क्या रेंज, रेंज ऑफ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस टू मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, रेंज ऑफ मिनिमम ट्रांसफर प्राइस टू मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? सही है। सो कैन आई से ये बेसिकली दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड।
परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेंज मेरा यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस टू मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस का मेरे को काम करना है। तो चलो अब उठाते हैं अपन लोग केस वन को। आप मुझे बताएंगे केस वन में फुल्ली स्पेयर या जिसको अपन बोलते हैं आइडल कैपेसिटी, फुल्ली स्पेयर या जिसको अपन बोलते हैं आइडल कैपेसिटी क्या होगा, बोलो कौन। इन दिस केस में दो निकलते हैं अपने, एक मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और एक मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। चलो मेरे को बताओ, एज पर आर क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मतलब अज्यूम करो सब सिचुएशन, मतलब इसके अंदर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है, इसमें से अज्यूम कर लो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है, इसमें ऑल्टरेशन कॉस्ट भी है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट वैल्यू भी है, ये इसमें तीनों का तीनों सिचुएशन है। देन इन दैट केस कैसे होगा आप मेरे को बताएंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, फर्स्ट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तो जो ट्रांसफर डिवीजन है वो क्या बोलेगा, भाई मिनिमम मुझे वेरिएबल कॉस्ट टू रिकवर करके दे दे, बस बराबर है। सो कैन आई से वो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगा, बराबर है। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस किसके एंगल से, ट्रांसफरर के एंगल से। मैक्सिमम ट्रांसफरी कितना मैक्सिमम दे सकता है। अब यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे दैट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एब्सोल्युटली करेक्ट बाय एवरीबॉडी विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ये मुझे एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बोलना, ठीक है ना, सच्ची सच्ची बोलना कि ये जो तुम लोग सब लोग ने करेक्ट आंसर दिया है, ये तुम लोग का बुक खुला है या तुम लोग देखे बिना ये आंसर दे रहे हो। सच्ची सच्ची बोलना प्लीज, देखे बिना दे रहे हो तो फिर तो यार एक नंबर यार, मजा आ गया। अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बताओ, इधर गेम बदलेगा, इधर देखते हैं क्या है। वेरी नाइस शिखर गुप्ता, वेरी नाइस एवरीबॉडी। चलो अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बताओ, कम ऑन एवरीवन, वेरी गुड। सो सबसे पहले आएगा सर मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, और वेरी नाइस सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट। इन दोनों में से जो सस्ता पड़ेगा हमारे ट्रांसफरी को वो तो वही लेगा, मतलब विच एवर इज लोअर। वेरी गुड विकास गुप्ता, विच एवर इज लोअर, ए समझू एवरीबॉडी। मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोग ने जो लिखा है वो रट्टा मारा है या इट इज कमिंग विद द फ्लो ऑटोमेटिकली लॉजिकली तुम लोग को आ रहा है ये चीज, लॉजिक और रट्टा दोनों में से क्या कर रहे हो आप लोग, रट्टा मारा है या लॉजिकली। नहीं सर, लॉजिकली या तो वो उसको मैक्सिमम मार्केट प्राइस जितना देगा ऑब्वियसली उसमें माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, या उसको सब्स्टिट्यूट वैल्यू जितना देगा माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट। फुल लॉजिक, एक नंबर बॉस कॉन्सेप्ट, वेरी गुड आशीष केशरवानी ने अच्छा आंसर दिया है। तो और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लिखो, या इसकी जगह पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या जिसको अपन बोलते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, वो भी लिखोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा। सो भाई यहां पे देखो ना, अपना मार्केट प्राइस था 30-2, या तो ये 28 ऐसे ही लिखो, या भाई मेरे को मैक्सिमम ट्रांसफर ही कितना ले सकता है जितना उसका वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है प्लस बाहर वाले से वो कितना कमा रहा है 10 रुपया, तो 28 रुपीज। तो ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, विल गिव यू सेम आंसर। क्या बात है प्रयास जी, बहुत बढ़िया, वाह सुपर, सब लोग बोल रहे हैं यार मजा आ गया, ये पॉजिटिविटी चाहिए बस। अगर तुम लोगों को ये लेवल की चीजें समझ रही है ना, बाय गॉड की कसम बोलता हूँ, तुम लोग एस सी एम पी में 70-75 क्रॉस करने की क्षमता रखते हो, बिकॉज मेजोरिटी लोगों को ये सब चीजें भी नहीं समझ में आती है, मजाक नहीं कर रहा हूं। सो कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड तक अपने को बस ये डिसिप्लिन रखना है एंड फोड़ के आएंगे अपन लोग, गारंटीड। चलो आप लोग में से ही ये जो लाइव में बैठे ना, इसी में से मुझे कोई गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए फॉर दिस अटेम्प्ट फॉर एस सी एम पी, याद रखना आप लोग में से कोई एक बनेगा गोल्ड मेडलिस्ट। जी हाँ, बस जस्ट फोकस के साथ करते रहो। वेरी गुड शुभम जी, चलो अब आते हैं अपन लोग सेकेंड सिचुएशन के ऊपर। व्हाट इज द सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन है केस टू, सेकेंड सिचुएशन है केस टू। केस टू क्या है, यस पार्ट ऑक्यूपाइड पार्ट आइडल, पार्ट ऑक्यूपाइड पार्ट आइडल, बराबर है।
सो ये सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं इसको हमारे बच्चे कैसे मैनेज करते हैं। मैं चाहूंगा पहले ये लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मैं आप चाहता हूं आप लोग को, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा इन दिस केस टू। सो कैन आई से इसमें पार्ट ऑक्यूपाइड है पार्ट आइडल है, जैसा लिखा है वैसे ही उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो पार्ट स्पेयर या जिसको बोलते हैं आइडल है एंड जो पार्ट ऑक्यूपाइड है, उन दोनों को अपने को ऐड करना है। जो पार्ट स्पेयर या आइडल है कहना इससे वो क्या प्राइस पे जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पे उसको दे देंगे, बट जो पार्ट ऑक्यूपाइड है कहना इससे वो तो मेरा मार्केट प्राइस पे ही दूंगा मैं। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो जो पार्ट आइडल है वेरी नाइस, उसको अपन लोग ले लेंगे परफेक्ट, उसको अपन लोग ले लेंगे। तो ये जो जितना भी पार्ट आइडल है इसमें जितने भी यूनिट्स है, दिस विल बी एट द रेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट प्लस 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 जो पार्ट ऑक्यूपाइड है उसके लिए हम लोग ले लेंगे मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। बिकॉज वो बोलेगा भाई जो पार्ट ऑक्यूपाइड है वो अगर मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं मेरे मार्केट प्राइस के नीचे नहीं देने वाला हूं भाई, बराबर है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा अभी मैं एक बात बोलूं, अगर समझो अभी मैंने तुम लोग को इसमें कुछ डाउट पूछा, मैंने डाउट पूछा तो तुम लोग मेरे डाउट का जवाब दे पाओगे क्या? बोलो अगर मैं कुछ डाउट क्रिएट करता हूं, मैं बोलता हूं अरे यार ये चीज समझ में नहीं आया, जैसे कल तुम लोग में बोलो सर ये क्यों माइनस किया ये क्यों है, अब तुम लोग वो चीज जवाब दे पाओगे क्या? क्योंकि देखो आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर उसको कोई भी कुछ भी डाउट पूछे ही शुड बी एबल टू मैनेज इट, बराबर के नहीं? चलो ठीक है ठीक है, तो मैं राइट टाइम पे ये डाउट पूछूंगा तुम लोग को, अभी नहीं अभी तो क्या फ्रेश है ना। राइट राइट राइट। दूसरा दूसरा अगर ऐसा है तो ये चीज है ना, घर पे किसी ऐसे इंसान को समझाना जो सीए नहीं कर रहा है, अगर उसको समझा दिया ना तो आपको अलग ही फीलिंग आएगा, आपको लगेगा भाई इसको समझा दिया जिसको सीए का नॉलेज भी नहीं है, तो किसी को भी समझा सकते हो। पूछूंगा हरिओम, पूछूंगा पूछूंगा जरूर पूछूंगा, अभी नहीं सही वक्त आने पे मैं तुम लोग को टेस्ट करूंगा, डोंट वरी। चलो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कैन आई से, मुझे अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज। सो मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लिख सकता हूं, या वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जिसको अपन कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट बोलते हैं वो लिख सकता हूं, और क्या, और सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट विच एवर, ये सब मिला के विच एवर इज लोअर। चलो डन है डन है डन है बॉस, एक नंबर। एंड लास्ट है मेरा केस थ्री। केस थ्री क्या बोलता है, इफ इट इज फुल्ली ऑक्यूपाइड तो कैन आई से मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। तो भाई फुल्ली ऑक्यूपाइड है तो जो ट्रांसफर डिवीजन है बोलेगा कि भाई मैं मार्केट प्राइस के नीचे मानूंगा ही नहीं, चलने का है तो कर ना मत कर, तू तेरा मैं मेरा, सिंपल। और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस जो अपना ये है वो अपन यहां पे लिख देंगे कि भाई सेम अपना मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस तो वही रहना है, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर। अब इन दोनों में अगर ऐसा सिनारियो हुआ, एक ऐसा सिनारियो अगर इन दोनों में हाँ केस थ्री में यूजुअली मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सिमिलर ही रहेगा, सेम ही रहेगा। हाँ कब कैसा सिनारियो में डेडलॉक होगा, इफ वेरी गुड शिखर गुप्ता, इफ 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 मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस तो अपन बोलेंगे TTMM। अच्छा है ये शॉर्ट फॉर्म TJMM नहीं है, अदरवाइज तुम बोलते तू झूठी मैं मक्कार। अच्छा ये TTMM है, TTMM बोले तो तू तेरा मैं मेरा, अपन दोनों का मेल मिलाप नहीं हो सकता, हम एक दूसरे के साथ ब्रेकअप करते हैं, तुम तुम्हारा देखो हम हमारा देखेंगे, है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। केस वन केस टू में नहीं फिर भी स्कोप है कि भाई रिलेशनशिप शादी तक पहुंचेगा, बट यहां पे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप ही सही सोल्यूशन है। चलो ठीक ठीक ओके। TTMM कॉस्टिंग टर्म है, स्मृति पूछ रही है, ए भाई किसी को बोलना मत जाके, बोलेगा तुम लोगों को कौन पढ़ा दे रहे कॉस्टिंग, TTMM VTMM क्या सिखा रहा है वो, बाहर निकालो उसको।
तो प्लीज बाहर जाके मत बोलना ये मैं सिखा रहा हूँ TTMM, ये अपने घर का है ताकि अपने को याद रहे चीजें। तो TTMM मेरे घर का प्रोडक्शन है, तू तेरा मैं मेरा, वाह वाह। लाइफ में अगर सब ऐसा ही करना चालू कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं भाई, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ। बट ऐसा होता नहीं है ना, दुनिया को इंटरफेयर करना है, घुसना है। ट्रांसफर प्राइसिंग से फिलोसॉफी पे चले गए, चलो इधर आ जाओ वापस। ओके, सो इसी बात पे मैं बोल सकता हूं कि यस, क्वेश्चन नंबर 1 बेस अपना सेट हो चुका है, और ये बेस को आगे लेकर अब अपन चलेंगे। कुछ जनरल पॉइंट्स मैंने तुम लोग को लिखवाए थे, आई एम श्योर ये जनरल पॉइंट्स तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। अब अपनी बात हुई थी स्टूडेंट नोट्स को लेकर, ठीक है? तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि अब मैंने तुम लोगों को बोला था कि स्टूडेंट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन लोग करेंगे। सो मैंने तुम लोग के लिए क्या किया बताया, गया स्टूडेंट नोट्स अलग से बनाना चालू कर दिया एक नोट में। बट मैं चाहता हूं कि एक दो लेक्चर और हो जाने दो, थोड़ा सा अपने को और चीजों पे ग्रिप आ जाने दो, फिर वो स्टूडेंट नोट्स मैं तुम लोग के साथ शेयर करना चालू करूंगा, और फिर वहां से मैं बोलूंगा चलो अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, ठीक है? सो स्टूडेंट नोट्स इज बैक इन माई माइंड, इज देयर एट द बैक ऑफ माई माइंड, बट दो तीन लेक्चर और हो जाने दो इसके, फिर बाद में मैं मोमेंटम खींच लूंगा और फिर तुम लोग को वहां से कमान दे दूंगा और बोल दूंगा यस नाउ स्टूडेंट नोट्स इज ऑल योर्स, चलो डन। अरे फिलोसॉफी में तो यार अपने को मतलब अपने पास ये है क्या बोलते हैं ना, PhD है यार, कभी आना मेरे, बोलते हैं ना आओ कभी हवेली पे, बताऊंगा तुम्हारे को क्या क्या फिलोसॉफी है लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट फेज अपना हो चुका है, फर्स्ट फेज वॉज बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वो मेरा जो फर्स्ट एग्जांपल था वो बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग था, प्लस उसमें मैंने तड़का डाला नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन कॉस्ट, इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू, एक साथ ही सब ले लिया ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर है। अब मैं कहानी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं, बट उसके पहले मैं आ जाता हूं एक एग्जाम्पल के ऊपर। तुम लोग को मालूम है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अपन लोग हर एक फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और मैं कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला को डिराइव सीधा नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे हेल्प लगी कि एक एग्जाम्पल की, जैसा अपन लोग ने कल किया। कल अपन लोग ने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया उसके पहले एक एग्जाम्पल लिया अमूल का, जहां पे अपन लोग ने लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश की, अप्लाई किया लॉजिकली, और फिर वही लॉजिक्स को कॉन्सेप्ट के टर्म्स में अप्लाई किया। एंड अब नतीजा कुछ ऐसा है कि आप मुझे सिखा के जाओगे, इस लेवल पे तुम लोग आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अब मैं जो आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं, शायद वो आप लोग ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा या शायद आप लोग को पता होगा, बट आप लोग को वो फॉर्मूला पता होगा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो फॉर्मूला एक्चुअली आया कैफे, ठीक है? चलता है इंटरमीडिएट लेवल पे, यूजुअली स्टूडेंट का आदत वही होता है कि वो फॉर्मूला रट के और निकल जाता है एग्जाम, कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपना तो लॉजिक अब फाइनल में तो ऐसा नहीं कर सकते, अपने को तो ऐसा जमता ही नहीं है, बराबर है? सो अपन आ जाएंगे अभी लॉजिक के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर, जिससे मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा जो बहुत इजी फॉर्मूला है, जो शायद आपने सुना भी होगा इंटर में, बट कैसे आया वो आओ आज मैं आपको बताता हूं। सो बात कुछ ऐसी है कि ये एक क्वेश्चन है, आप लोग को मुझे बताना है। मैं दो प्रोडक्ट लिख रहा हूं यहां पे, एक मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट ए और दूसरा मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट बी, ठीक है? आप लोग को बताना है मैं प्रोडक्ट ए चूज करूं या प्रोडक्ट बी, ठीक है? दोनों में से एक ही प्रोडक्ट मैं चूज कर सकता हूं, दोनों में से एक ही प्रोडक्ट मैं चूज कर सकता हूं, आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट मेरे को चूज करना चाहिए, ठीक है? चूज आइदर ऑफ द टू, सेलिंग प्राइस है दोनों, अरे पूरा सुन लेना मैं जब बोलूंगा ना, नाउ आंसर तब आंसर देना, ठीक है? सेलिंग प्राइस है दोनों का 200, चलो 300 लेते हैं, 300 300, दोनों का सेलिंग प्राइस है 300 300, ठीक है? तो अभी तो आप चूज नहीं कर पाओगे। लेस, दोनों का रॉ मटेरियल कॉस्ट, ध्यान से सुनना, इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट है से इसको लगता है 10 रॉ मटेरियल एट द रेट ₹10 पर रॉ मटेरियल, ₹100 इसका कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, और इसको लगता है 4 रॉ मटेरियल एट द रेट ₹10 पर रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट है 40। रुक जाओ रुक जाओ, फिर बाद में आता है लेबर कॉस्ट, इसका लेबर कॉस्ट है से 100 ही ले ले,
चलो 100 ही ले लिया। एंड यहां पे हमारे प्रोडक्ट बी का लेबर कॉस्ट ऐसे, वन सेवेंटी। ठीक है, अब आपको मेरे को बताना है एवरीबॉडी, प्रोडक्ट ए चूज करोगे या प्रोडक्ट बी चूज करोगे? अगर आपको एक ही प्रोडक्ट बनाने का मौका मिल रहा है, आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करोगे, ये आपको मुझे बताना है। देखते हैं क्या सही जवाब आता है। हर्ष कुकरेजा, ओके, अदर्स, पिंकल चौहान, रूपम, फगुनी महेश्वरी, फाल्गुनी या फगुनी, OMG, would you believe it? मेरे एक सेकंड, मैं इसका वीडियो ले लूं क्या? एक सेकंड, वापस से मुझे आंसर दो। लिटरली ये वीडियो लेने लायक है, जिस हिसाब से तुम लोग के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ये मैं शेयर करूं, एक सेकंड ना अभी। सो लेट द गेम बिगिन। ठीक है, सो अरे रुको बाबा, सबर करो, एक सेकंड, मैं अभी जब बोलूंगा ना तब तुम लोग आंसर देना स्टार्ट करना। ठीक है, मैं वीडियो ले रहा हूं, इसको इंस्टा पे डालता हूं मैं, तुम लोग भी टैग कर लेना अपने आप को। ठीक है, सो लेट द गेम बिगिन। अरे वेट यार, ओके, सो मैं मेरे लाइव वालों बच्चों को पूछना चाहता हूं कि आप इस सिचुएशन में आप भी जवाब दे सकते हैं जो अभी देख रहे हैं। आप प्रोडक्ट ए लेना चाहोगे या प्रोडक्ट बी चूज करना चाहोगे? गिव मी द आंसर एवरीबॉडी, प्लीज आंसर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। देखते हैं इन सबका आंसर क्या है। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, नॉन स्टॉप, क्या बात है, इन सबका आंसर आप लोगों को दिख रहा है। वेल लेट मी टेल यू, ये बच्चे इतने होशियार है, इन सबका आंसर है करेक्ट, वी विल चूज प्रोडक्ट ए। ओके भाई, शांति। अच्छा मैं तुम लोगों को टैग किधर करूं, टेलीग्राम पे टैग करूं के इंस्टा पे टैग करूं, कहां पे टैग करूं? अरे रुको भाई, शांति मेरे भाइयों, शांति। तुम लोग ने, सब लोग ने सही जवाब दिया, अब कहां पे टैग करूं वो बताओ मैं। ट्विटर पे, इंस्टा पे करते हैं, चलो इंस्टा पे आई थिंक अच्छा रहेगा, इंस्टा पे टैगिंग, रीटैगिंग और वो सब टाइम पास होता है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि मेरा आंसर आ गया है, अज्यूम करता है कि कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो यही मेरा प्रॉफिट है, यही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, यही मेरा प्रॉफिट है, यही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है। क्यों तुम लोग ने प्रोडक्ट ए बोला? सर क्योंकि प्रोडक्ट ए को आप देखोगे ना तो 300 माइनस 100, 200 माइनस 100, इधर रहना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो रहा है 100 पर यूनिट सर। बट अगर आप प्रोडक्ट बी को देखोगे ना तो बेचारा 300 माइनस 40 माइनस 170, सर बेचारा खाली ₹90 का ही प्रॉफिट ला पा रहा है। तो सीधी सी बात है कि मैं रैंक वन दूंगा ए को और बी को बोलूंगा चल तेरे को कौन बनाएगा, ए को ही बनाऊंगा, एफआर। ठीक है, अब मैं आप लोग को वापस से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग वापस से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दोगे क्या बच्ची, दोगे क्या? अरे बोलो टेल। ठीक है, सेम टू सेम एग्जाम्पल है। आपको मुझे बताना है अब आप ए को चूज करोगे या बी को चूज करोगे? एवरीबॉडी, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, मैंने बोल दिया, अज्यूम कर लो ये इसमें कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, अब आप ए चूज करोगे या बी? है ए भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन, अब आप ए चूज करोगे या बी? ओ भाई बी क्यों बोल रहे हो, ए चूज करोगे ना, अभी क्या है, अभी क्यों बी क्यों चूज करोगे, ए चूज करोगे ना, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, जबरदस्ती, मतलब ए अभी इधर 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 ए था तो इधर बी बोल दो, ऐसा अभी भी ए चूज करोगे ना। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं, एक लाइन में लिख रहा हूं, फिर मुझे आप लोग रीजन के साथ बताना कि क्यों आप कौन सा चूज करोगे। इधर अभी खाली वो लोग ने बोल दिया है, इफ टोटल रॉ मटेरियल इज लिमिटेड टू 100 रॉ मटेरियल, इफ टोटल रॉ मटेरियल इज लिमिटेड टू 100 रॉ मटेरियल, बोलो अब आप किसको चूज करोगे? एवरीथिंग एल्स इज सेम, ठीक है ना, ना मैंने सेलिंग प्राइस चेंज किया, ना मैंने रॉ मटेरियल कॉस्ट चेंज किया, ना मैंने लेबर कॉस्ट चेंज किया, कोई भी कॉस्ट चेंज नहीं किया है,
बोलो, खाली मैंने एक लाइन चेंज किया। अच्छा मैं तो बोलता हूँ, इनफैक्ट ये लो, आप लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी सेम है। बोलो बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी सेम है। विच वन विल यू चूज? आशीष ध्यान से रीड कर क्वेश्चन को। सेम टू सेम चीज, सेम रॉ मटेरियल प्राइस, सेम रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सब सेम है। अब आप ए चूज करोगे या बी चूज करोगे, सेम कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुनो, अब यहां पे खाली एक लाइन मैंने ऐड कर दिया, इफ टोटल रॉ मटेरियल इज लिमिटेड टू 100, तो अगर मेरे पास टोटल 100 रॉ मटेरियल है तो मैं प्रोडक्ट ए कितने बना पाऊंगा? भाई देखो उन्होंने क्या बोला है, एक प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल चाहिए, तो 100 रॉ मटेरियल में आप मुझे बोलो, 100 रॉ मटेरियल में मैं कितने कितने यूनिट्स बना पाऊंगा? कैन आई से मैं खाली नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर लिखता हूं तो खाली मैं 10 यूनिट्स ही बना पाऊंगा। कैसे? 100 रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 10 रॉ मटेरियल पर यूनिट। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। एंड अगर मैं प्रोडक्ट बी की बात करता हूं तो वो तो एक यूनिट से चार ही रॉ मटेरियल खा रहा है, तो अगर उसको 100 रॉ मटेरियल मिल गए, देन इन दैट केस उसको तो एक यूनिट के लिए, उसको तो एक यूनिट के लिए चार रॉ मटेरियल ही चाहिए, तो कैन आई से वो 25 यूनिट बना पाएगा? एवरीबॉडी यस और नो? आप मुझे बताओ आप कौन सा चूज करोगे, आप मुझे बताओ आप कौन सा चूज करोगे। सो यहां पे देखो बॉस, अगर आप यहां पे देखते हो तो प्रोडक्ट ए मुझे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 रुपीज का देता है, बट 90 × 25 मेरे को प्रोडक्ट बी 2250 का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, एंड देयरफॉर आई विल चूज 2250। आपको पता है गेम किधर बदला? करेक्ट, गेम इधर बदला जब मैंने इसमें से एक रिसोर्स को लिमिट कर दिया, सीधा गेम बदल गया। आज भी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एक ही जाता है, बट फिर भी मैं बी बनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरा टोटैलिटी बेसिस पे जो एक रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड इनपुट है, मैं अब डिसीजन उसके हिसाब से लेना चाहता हूं, बिकॉज मेरा अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिटेबिलिटी उस पर डिपेंडेंट हो गया है, बिकॉज मेरा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट है। एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस कॉन्सेप्ट गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मुझे पता है आप लोगों को लिमिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला या वो पता होगा, बट ये लॉजिक के बेसिस पे बॉस, ये लॉजिक के बेसिस पे आया था लिमिटिंग फैक्टर। समझू एवरीबॉडी? इधर इधर इसका टोटल कितना आता है? 2250। इसका टोटल कितना? इधर लिखो किधर यार, जगह ही नहीं बचा है। 2250, ठीक है। सो 1000 या 2250, डेफिनेटली 2250 इज बेटर। सो व्हेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिसोर्सेज एट दैट पॉइंट इन टाइम, वेन देर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिसोर्सेज एट दैट पॉइंट इन टाइम, आपको डिसीजन लेना पड़ता है बेस्ड ऑन दैट लिमिटिंग फैक्टर। सो अगर मैं इधर देखता हूं तो एक है प्रोडक्ट ए, दूसरा है प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1000, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट ए का कितना है? 100। प्रोडक्ट बी का कॉन्ट्रीब्यूशन है ₹90। प्रोडक्ट बी का कॉन्ट्रीब्यूशन है ₹90, बट जब लिमिटिंग फैक्टर होता है तो आपको देखना पड़ता है लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कितना है। आप मुझे बताओ एक फैक्टर यहां पे, एक यूनिट का लिमिटिंग फैक्टर कितना है? तो इधर मैं बोलूंगा 10 रॉ मटेरियल, यहां पे एक यूनिट का लिमिटिंग फैक्टर कितना है? मैं बोलूंगा 4 रॉ मटेरियल, एंड देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से मैं देखता हूं तो इधर आता है ₹10 पर रॉ मटेरियल कमा रहा हूं, जबकि इधर मैं 90 / 4 ₹22.5 पर रॉ मटेरियल कमा रहा हूं, बिकॉज रॉ मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड है। तो जो प्रोडक्ट वो रॉ मटेरियल के रिस्ट्रिक्शन को या रॉ मटेरियल के टर्म्स में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कमाएगा ना, अपन ऑलवेज उसको चूज करेंगे, एंड हेंस प्रूव्ड मैं यहां पे लॉजिकली कर चुका हूं, हेंस प्रूव्ड मैं यहां पे लॉजिकली कर चुका हूं। सो आज के बाद अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन हुआ किसी भी रॉ मटेरियल का, लेबर का, मशीन आवर्स का, यू विल ऑलवेज टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। ए समझ गड़ू?
अब यही है ना कॉन्सेप्ट, आगे डिसीजन मेकिंग में भी काम आएगा। तब मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा, तब सीधा सम करवाऊंगा विद योर परमिशन, बराबर कि नहीं? बट क्या आप लोग को ये अब लॉजिकली समझ में आया? एक लाइन मैं नोट में लिख देता हूं, व्हेनेवर देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेस वी विल टेक आवर डिसीजन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, विच इज, फॉर्मूला क्या है याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। ये लिमिटिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी मशीन आवर्स, इट कैन बी लेबर आवर्स, डॉट डॉट। ए समझी गई लॉजिकली, क्लियर है? देखो कोई भी फॉर्मूला ऊपर से तो नहीं गिरा होगा, कुछ तो हुआ रहेगा प्रैक्टिकली, तभी बना रहेगा। दिस इज व्हाट वुड हैव बीन हैपेंड, कहीं ना कहीं यही चीज हुआ रहेगा एंड तब जाके ये आया रहेगा। तो एक्चुअली ये सिचुएशन हुआ रहेगा कि यार मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है, बट वो प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों के लिए ना एक रॉ मटेरियल चाहिए जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो दोनों में से कौन सा बनाओ? तो यार इसमें अगर देखते हैं ना तो कम यूनिट बनेगा, इसमें ज्यादा यूनिट बनेगा, इसकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, ये वो लोग ने दो तीन बार देखा रहेगा एंड दैट इज वेयर उनको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया रहेगा। गॉट इट गाइस, एवरीबॉडी गॉट इट? पल्लवी जी यस, आप पूछिए डाउट। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? वो बोलो भाई, बाकी तो आप लोग फॉर्मूला तो ठीक है जानते ही हो। तो जब भी कोई लिमिटिंग फैक्टर हुआ आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। लॉजिकली टोटैलिटी पे देखना होता है, बट हर बार आप टोटैलिटी पे नहीं देख पाओगे, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए उसको एक फॉर्मूला टर्म में कन्वर्ट किया है ताकि आप फास्ट डिसीजन ले सको। पल्लवी जी आपका डाउट पूछिए, बाकी जो लोग क्लियर है ग्रेट, जो लोग का डाउट है वो लोग पूछो। कौन सा स्लाइड चाहिए? ये स्लाइड देख लो। सो देखो क्या हुआ यहां पे, सॉरी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 1000 100 था उसका, ए का लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने को लिमिटिंग फैक्टर क्या है अपना, रॉ मटेरियल है ये। अच्छा चलो वापस से बताता हूँ, लिमिटिंग फैक्टर क्या है मेरा, रॉ मटेरियल है, इधर लिखा है देखो लिमिटिंग फैक्टर रॉ मटेरियल है। कैन आई से टोटल रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, तो कैन आई से लिमिटिंग फैक्टर क्या है मेरा, रॉ मटेरियल है। अगर मेरा लिमिटिंग फैक्टर रॉ मटेरियल है, अगेन आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी, अगर मेरा लिमिटिंग फैक्टर रॉ मटेरियल है, देन इन दिस केस, देन इन दिस सिचुएशन अपने को लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है, वो देखना पड़ेगा एंड उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, ये डिनोट कर रहा है। गुड क्वेश्चन नेहा, तो वो पूछ रही है कि सर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट क्या डिनोट कर रहा है? वो ये डिनोट कर रहा है कि जो लिमिटेड चीज है उसको ध्यान में रख के कौन ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी। जो लिमिटेड चीज है कि भाई ये कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है 100 रुपए का और वो 90 का, तो ये 100 रुपए का ज्यादा दे रहा है,
बट भाई मेरा जो रिस्ट्रिक्टेड चीज है उसको ध्यान में रख के कॉन्ट्रीब्यूशन कौन ज्यादा दे रहा है, प्रोडक्ट बी ज्यादा दे रहा है। वी शुड ऑलवेज चूज वन जो लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड लिमिटिंग फैक्टर को यूज में रख के ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाता है, समझे। और फिर इसीलिए यस तुम लोग ने सही बोला है कि सर इसके लिए इसको फिर रैंक देते हैं, ये रैंक वन बन जाएगा, ये रैंक टू बन जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन लाइन। बाकी तो ये देखो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये दोनों सेम ही है, यही 300 रॉ मेटेरियल कॉस्ट सेम है, लेबर कॉस्ट सेम है, बट खाली ये एक लाइन की वजह से अपना डिसीजन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर आ गया है। तो जो ये लिमिटिंग फैक्टर में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा उसको मैं चूज करूंगा, विच इन दिस केस इज गिवन बाय प्रोडक्ट बी। नेहा जी समझियो आपको, पल्लवी जी समझियो आपको, यस ऑलवेज हायर द बेटर, इधर लिख देता हूं चाहिए तो, हायर द बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, हायर द बेटर। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू सा मन है, ऐसा बाहर गाना बज रहा है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। मैंने बोला होगा तुम लोग ने कभी मेरा यूट्यूब देखा होगा, तो मेरे जस्ट ऑफिस के नीचे एक लाउंज बार है, मतलब लाउंज है, लाउंज, ये लोग बाहर सुन के ये लोग खुश हो गए, लाउंज है, लाउंज मतलब एक अच्छा डिस्क है, डीजे है और एक अच्छा खाने पीने का जगह है। यस दैट्स व्हाई यस्टरडे देयर वर म्यूजिक बिट्स, यस यू आर राइट, फ्राइडे सैटरडे संडे फिक्स। ओ भाई इधर आओ ना, ये भटक गए वापस, ये दिल भटक गया है, तुम लोग के लिए गाना बैठता है, थोड़ा अटक गया है। ओ भाई साहब मुझे इसका जवाब दो ना यार, हमको भी सर आना है आपके लाउंज में, मेरा लाउंज नहीं है। केशव विल टैकल इट व्हेन इट कम्स, गुड क्वेश्चन, विल टैकल इट व्हेन इट कम्स, एक क्वेश्चन अपने को करना है केशव, उस पे विल टैकल इट व्हेन इट कम्स। ए भाई जो लोग को नहीं समझा वो लोग जवाब दो ना, नेहा जी पल्लवी जी तुम लोग दोनों ने बोला था सर हम लोग को डाउट है नहीं समझा, तो तुम्हारे को समझा कि नहीं समझा वो तो बोलो। राजीव तू लेट ज्वाइन हुआ क्या आज भी? अगर मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्ट बनाने का 10 हो, पीयूष अगर तेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्ट बनाने का 10 है, देन इन दैट केस प्रोडक्ट ए, लॉजिक विल ऑलवेज प्रिवेल, डोंट वरी। चलो अब मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन करता हूं। राजीव क्यों लेट आया तू यार, भटक मतलब कॉन्सेप्ट से तू छूट जाएगा फिर यार। चलो पल्लवी जी फोकस करना सब लोगों को, वापस से मैं एक बार लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, लास्ट टाइम नहीं है जब तक तुम लोगों को नहीं समझा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट मेरे हिसाब से अब समझ जाएगा। एक यहाँ पे सिचुएशन है जहां पे सेलिंग प्राइस माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट कर रहा हूं, तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल रहा है विच इज 190। विकास गुप्ता और वैसे ही केशव ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर फिक्स कॉस्ट हुआ तो आगे क्वेश्चन आएगा गोल्डन पेट करके, उसके बाद एक बीएनजेड लिमिटेड आगे क्वेश्चन आएगा डिसीजन मेकिंग में, वहां पे अपन लोग इस चीज को लेंगे। फिलहाल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग दिस नॉलेज इज सफिशिएंट, इधर ही मैं उसको रिस्ट्रिक्टेड रखूंगा, बट आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको आगे थोड़ा सा, अभी उसको मैं यहाँ पे मिक्स कर दूंगा ना तो मतलब नहीं है वैसा है, ठीक है चलो, बट इट विल बी आंसर्ड। सो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जैसे रॉ मेटेरियल कॉस्ट है लेबर कॉस्ट मैंने किया तो मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन आया, सीधी सी बात है प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है तो मैं प्रोडक्ट ए को रैंक वन देके उसी को बनाऊंगा अगर मेरे को एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो। बट यहाँ पे जब मैं एक एडिशनल लाइन लिखता हूं कि अगर मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल 100 रॉ मटेरियल ही है, देखो आपको है ना पल्लवी जी आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, ये आपने देखा एक यूनिट बनाने के लिए
देखो ये मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, ये एक यूनिट का इंफॉर्मेशन है, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया है ना, ये एक यूनिट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब एक यूनिट बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल चाहिए ए को, एक यूनिट बनाने के लिए 4 रॉ मटेरियल चाहिए बी को, बोलो बराबर के नहीं। सो अब मैं देख रहा हूं कि भाई मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल ही अगर 100 है, एक यूनिट बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल चाहिए, देन इन दैट केस कैन आई से मैक्सिमम मैं 10 यूनिट ही बना पाऊंगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट ए, मैक्सिमम मैं 25 यूनिट ही बना पाऊंगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट बी, बराबर है, क्योंकि मेरा उतना रिस्ट्रिक्शन आ गया है। बट अब अगर मैं 10 यूनिट बनाता हूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट का है, 100 बनाना मैं ज्यादा चाहूंगा प्रोडक्ट ए, बट मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया हूं क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल ही टोटल 100 है और एक प्रोडक्ट ए 10 रॉ मटेरियल का आ जाता है, तो मैं मैक्सिमम 10 यूनिट ही बना पाऊंगा, और उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट बी मैं 25 यूनिट बना पाऊंगा, तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू अचीव मोर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रोडक्ट बी, इवन दो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बी का कम है, बट टोटैलिटी पे प्रोडक्ट बी विल विन इट। गॉट इट गाइस? चलो, सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब ये मैंने टोटैलिटी में बताया कॉन्सेप्चुअली, नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा, एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा, एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, उससे जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आएगा, जितना ज्यादा जिसका आएगा, दैट विल बी माई प्रायोरिटी। आई होप वी आर क्लियर, ठीक है। So, पल्लवी एक बार कंफर्म कर देना, बाकी लोगों ने कंफर्म कर दिया है, पल्लवी ने भी कंफर्म कर दिया है, चलो ग्रेट है। अब आ सकता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, बॉयज एंड गर्ल्स, अपने बुक में खोलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यस आ जाइए, प्लीज प्लीज ओपन दिस क्वेश्चन। प्लीज ओपन दिस क्वेश्चन। चलो, डिवीजन ए इज अ प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, तब भी तुम हमारे पास आए हो, समझ रहे समझ रहे। तो देखो, बेस क्लियर है अपना, लॉजिक्स क्लियर है, तो अपने को पता है कि प्रॉफिट सेंटर है, इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का जरूरत लगेगा, सीए का जरूरत लगेगा। डिवीजन ए इज अ प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जी, ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट। एक्स वाई जी का कुछ इन्फो दिया है, क्या बोला है देखो, एक्स एक्सटर्नल मार्केट प्राइस पर यूनिट 48, 46, 44, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डिवीजन ए 33, 24, 28, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट इन डिवीजन ए 3, 4, 2, ठीक है। प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिवीजन बी, कैन आई से ट्रांसफर्ड, मतलब कैन आई से ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट आएगा यहां पे। प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिवीजन बी, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स ऑफ वाई। तो मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड रहेगा बी को, डिवीजन बी को 300 यूनिट्स ऑफ वाई, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, क्या समरी के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा अपने से, कभी नहीं, ठीक है। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं आगे का। द मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स आर X 800 units, Y 500 units, Z 300 units. Instead of receiving transfer of product Y from division A, division B could purchase similar product from open market at a slightly cheaper price of rupees 45 per unit. ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये 45 per unit क्या है, ये 45 per unit क्या है? राजीव भट्ट नहीं, राजीव भट्ट नहीं, 300 यूनिट्स इज नॉट लिमिटेड फैक्टर, 300 यूनिट्स इज कितना आपको इंटरनली ट्रांसफर कर रहा है, करेक्ट। कैन आई से इट इज माय सब्स्टिट्यूट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट प्राइस, सब्स्टिट्यूट कॉस्ट, जो बोलना है बोलो यार, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? ये मेरा बन जाएगा 45 पर यूनिट, दिस इज माय सब्स्टिट्यूट वैल्यू, है भाई, है भाई, ओके। चलो डन, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट फॉर 300 यूनिट्स ऑफ वाई इफ टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिवीजन आर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आई मीन अब आया रिस्ट्रिक्शन,
डिवीजन ए में टोटल 6200 आरजी है, मतलब कहना इसे लेबर आवर्स लिमिटेड है। अगर कोई भी चीज लिमिटेड है देन इन दैट केस वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इफ डिवीजन इफ टोटल लेबर आवर्स इन डिवीजन ए आर 6200 आवर्स या 3800 आवर्स या 5600 आवर्स। Got it guys? चलो प्लीज एवरीबॉडी क्वेश्चन को रीड करो। मैं चाहता हूं 2 मिनट लेके आप लोग खुद से समरी बनाओ। इवन द गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स प्लीज क्वेश्चन को रीड करते करते खुद से समरी बनाओ। लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू डू इट। गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स स्टार्ट। चलो टाइम इज अप, टाइम इज अप। दिया है आप लोगों को टाइम काफी सारा। देखते हैं अब आप लोग ने क्या गुल खिलाए हैं। यस 300 इज इंटरनल डिमांड प्रयास जी। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं मेरा समरी। देखते हैं आप लोग का और मेरा समरी कितना मेल मिलाप है उसमें कि नहीं है। चलिए आइए सबसे पहले डिवीजन है, दो डिवीजन है, डिवीजन ए डिवीजन बी। ओके देखो याद रखना अगर समरी नहीं बनाओगे तो नहीं होगा सॉल्व सम्स इन एससीएमपी। बहुत जरूरी है ये। एक है डिवीजन ए एक है डिवीजन बी। अच्छा डिवीजन ए में तीन मेरे पास डिपार्टमेंट्स है एक्स वाई जी, एक्स वाई और जी। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस पर यूनिट 4833। तो सेलिंग एक्सटर्नल मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, कैन आई से सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट 33, सो 48 वेरिएबल कॉस्ट 33। ठीक है वाई का 4624, सो 4624 फिर 4428, 4428 ये माइनस कर दिया है तो मेरा आ गया यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 22 16। अब एक बात मुझे बताओ क्या मुझे यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ गया, वो तो मुझे कैलकुलेट करना ही था वो ठीक है। क्या यहां पे मुझे कोई चीज लिमिटेड है क्या बच्चों, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं क्या कोई चीज लिमिटेड है क्या, अगर हां तो क्या, क्या कोई चीज लिमिटेड है क्या, अगर हां तो क्या। जी हां यस यू आर राइट, अपने पास आर्स लिमिटेड है, अपने पास आर्स लिमिटेड है। और कभी भी याद रखना कोई भी बिजनेस में अगर कोई चीज लिमिटेड हुई तो आपको बाय डिफॉल्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर यूज करना है, करना है, करना है कंपलसरी। जी हां ओके सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। कैन आई से डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेबर आवर्स है, सो लेबर आवर्स पर यूनिट। अच्छा कितना लेबर आवर्स है, कैन आई से एक्स बनाने के लिए एक यूनिट में, एक यूनिट बनाने के लिए, सो लेबर आवर्स पर यूनिट एक यूनिट बनाने के लिए कैन आई से 3 आवर्स लगता है, सो 3 आवर्स एक यूनिट बनाने के लिए। वाई को 4 आवर्स एक यूनिट बनाने के लिए, जी को 2 आवर्स। सो ये आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर एंड दिस विल बी 5
22/4 कितना होता है भाई, 5.5 एंड 8। ए इसका इंटरप्रिटेशन मुझे कोई बता सकता है क्या, ये 5, 5.5 और 8 का इंटरप्रिटेशन क्या है? ये 5, 5.5 और 8 का इंटरप्रिटेशन है दैट एक घंटे में एक्स 5 का ही आउटपुट दे पा रहा है, वाई एक घंटे में 5.5 का आउटपुट दे पा रहा है, आउटपुट मतलब कंट्रीब्यूशन, जेड एक घंटे में 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जेड को ज्यादा से ज्यादा बनाना है, जेड को ज्यादा से ज्यादा बनाना है। क्या आप मेरा इंटरप्रिटेशन समझे एवरीबॉडी? सो मेरे को अगर रैंक देना है, मेरे को अगर रैंक देना है तो मैं क्या रैंक दूंगा भाई? मेरा तो जेड है ना, जेड एक नंबर आदमी है, जेड एक घंटे का 8 रुपया दे रहा है, जेड इज बेस्ट, आई एम द बेस्ट, जेड बोलेगा आई एम द बेस्ट, और यस यू आर द बेस्ट। सो जेड 1, Y2, X3, ए समझी गुडू? यस सर, चलो डन, इधर तक सब लोग साथ में हैं, बोलो बोलो चल चल। चलो डन है गाइस, ओके डन। अब ये तो मैंने फ्लो फ्लो में, समरी के फ्लो में सम सॉल्व करना चालू कर दिया, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? चलो समझ गया सर। प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिविजन बी, अच्छा सो ये देखो, प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिविजन बी, ठीक है ओके, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स ऑफ वाई, ओके। मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स आर एक्स का 800, 500, 300, मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स कितना है एक्स का 800, 500, 300, सो इसका एक्सटर्नल सेल्स बता रहा है वो भाई, एक्सटर्नल सेल्स या एक्सटर्नल डिमांड जो अपन लोग बोलते हैं ना, एक्सटर्नल डिमांड कल अपन लोग ने लिखा था, तो एक्सटर्नल डिमांड एक्स का कितना है 800, ओहो 800 यूनिट्स, इसका 500 यूनिट्स, जेड का 300 यूनिट्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। देखो अभी तक मैंने कुछ लॉजिक अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैं लिखते जा रहा हूं, बराबर ना पब्लिक? डन ओके। चल डन है। किसका यामिनी इंटरप्रिटेशन चाहिए तेरे को? इसका इंटरप्रिटेशन चाहिए कि एक एक घंटे में, देख अपने आवर्स लिमिटेड है, वो लिमिटेड आवर्स में एक घंटे में, एक आवर्स में जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन लाके देगा ना वो विनर है। एक्स एक घंटे में एक आवर में 5 का ही कंट्रीब्यूशन ला रहा है, वाई 5.5 का ला रहा है, जेड एक घंटे में 8 रुपया कमा के दे रहा है, कौन बेटर है तेरे हिसाब से? तीनों के पास एक एक घंटा है, फॉर एग्जाम्पल तीनों के पास एक एक घंटा है, एक एक आवर्स है, जेड 8, वाई 5.5 कमा रहा है, एक्स 5 कमा रहा है, कैन आई से एक्स जेड 8, समझे क्या? क्या नाम है? यामिनी, यामिनी जी समझे? डन ओके। अब आते हैं डिवीजन बी के ऊपर, डिवीजन बी के बारे में खाली वो लोग ने बोला है कि भाई उसको 300 यूनिट चाहिए, ठीक है भाई उतना इंटरनल ट्रांसफर डिवीजन, उतना इंटरनल डिमांड है, उतना इंटरनल डिमांड है। अब सुनो, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट वाई फ्रॉम डिविजन ए, डिविजन बी के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और ये सब्स्टिट्यूट कितने में मिल रहा है? एट द रेट ₹45, ठीक है डन। नेक्स्ट, अब व्हाट वुड बी द ट्रांसफर प्राइस जो अपने को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है अपने को? ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है। आर वी रेडी फॉर इट गाइस? आर वी रेडी फॉर इट? चलो स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहला यहां पे अपना पॉइंट वो लोग ने दिया है, केस वन वो लोग ने दिया है, केस वन में बोला है टोटल आर्स कितना अवेलेबल है अपने पास, टोटल आर्स कितना अवेलेबल है अपने पास? 6200 आर्स अवेलेबल है। लॉजिक को प्लीज ओपन रखना, ठीक है। अब ये मैं आगे बढ़ू उसके पहले एक चीज आप लोग से चाहिए, मुझे करके दोगे? मुझे खाली एक चीज आप लोग से चाहिए कि, ठीक है, एक चीज मुझे आप लोग से चाहिए कि
अगर डिवीजन ए पूरा का पूरा एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई करता है, अगर डिवीजन ए पूरा का पूरा एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई करता है तो उसको कितना आर्स चाहिए, बस इतना मुझे कैलकुलेट करके बता दो। अगर डीवी, वेरी गुड केशव, यस जय कुमार, अगर डिवीजन ए पूरा एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई करता है तो आप मुझे बताएंगे कितना आर्स जाएगा। मोहम्मद जाकिर ध्यान से क्वेश्चन को सुन मेरे भाई, डिवीजन ए पूरा का पूरा एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई करता है, खाली मैंने क्या बोला है, पूरा का पूरा एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई करता है। चलो तुम लोग सब लोग ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया है, जिसको नहीं समझा वो मैं बता देता हूं। इफ एक्सटर्नल डिमांड इज फुल्ली सेटिस्फाइड देन आर्स रिक्वायर्ड आर एक्स बनाने के लिए, एक्स कितना बनाना है, मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड 800 यूनिट है, तो 800 यूनिट से ज्यादा तो मैं बनाऊंगा नहीं एक्स के, तो एक्स मैं बनाऊंगा 800 यूनिट। एक यूनिट बनाने को कितने आवर्स लगते हैं एक्स को, 3 आवर्स, तो कहना इसे टोटल 2400 आवर्स लगेंगे एक्स को, बना रहे ओके। वाई 500 यूनिट्स बनाना है, 4 आवर्स लगता है, Z 300 यूनिट्स बना सकते हैं मैक्सिमम क्योंकि उतना ही एक्सटर्नल डिमांड है, एक यूनिट बनाने को कितने घंटे, 2 आवर्स, मतलब 600 आवर्स। सो टोटल कैन आई से, मेरे को टोटल कितने आवर्स चाहिए, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितना है, 5000 आज। सही है, सही है, सब लोग ने सही जवाब दिया है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये क्यों चाहिए सर, अभी बताता हूं आपको मैं, इतना समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं अपन लोग केस वन के ऊपर। केस वन बोलता है टोटल 6200 आवर्स है मेरे पास, उसमें से मेरे को एक्सटर्नल डिमांड के लिए कितने आवर्स चाहिए, बोलो बोलो, चल चल, कहना इसे एक्सटर्नल डिमांड के लिए सर 5000 आवर्स चाहिए, इसका मतलब ये क्या हुआ। समझे क्या यार पब्लिक, समझे क्या यार पब्लिक, मुझे जवाब चाहिए, तुम लोग से जवाब चाहिए मुझे। करेक्ट, कैन आई से 1200 आवर्स मेरा स्पेयर हुआ, बराबर है। अब इमीडिएटली मैं देखता हूं कि इंटरनल डिमांड कितना है, इंटरनल डिमांड सर, इंटरनल डिमांड है 300 यूनिट का, कौन सा यूनिट, वाई का 300 यूनिट चाहिए, और वाई का एक यूनिट बनाने को 4 घंटा लगता है, वाई का एक यूनिट बनाने को 4 घंटा लगता है, वाई का एक यूनिट बनाने को 4 आवर्स लगता है, मतलब टोटल इंटरनल डिमांड के लिए चाहिए 1200 घंटे, और मेरे पास स्पेयर कितना है, 1200 घंटे। तो कहना इसे ये कौन सा केस हुआ पब्लिक। करेक्ट, दिस इज अ केस ऑफ फुल स्पेयर कैपेसिटी। क्या अब आप लोग लॉजिकली सब चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो क्या, प्लीज मुझे बताओ ना, बताते क्यों नहीं, क्यों मेरे से बात नहीं कर रहे, गुस्से हो क्या मेरे से, चल समझ में आ गया इतना, बोलो यार इधर तक सब लोग साथ में हो, चल डन।
अब आप मेरे को बताओगे सोच समझ के, लॉजिकली अब अपने को सॉल्व करना है, अब अपने को कैलकुलेट करना है, यस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जिस चीज के लिए बुलाया है, एंड दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज, वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस, मतलब कितना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगा, कितना मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगा। चलो स्टार्ट करेंगे, बट ये कौन सा सिनारियो है ये? करेक्ट, ये फुल्ली स्पेयर वाला सिनारियो है। कौन सा सिनारियो है ये? फुल्ली स्पेयर वाला सिनारियो है। चलो स्टार्ट करेंगे, अरे मुझे करने दो भाई, मुझे करने दो। चलो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अब अपने को कैलकुलेट करना है, लॉजिकली सोचो। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मतलब कहना इसे मेरा और ये तो फुल्ली स्पेयर कैपेसिटी है, तो फुल्ली स्पेयर कैपेसिटी में मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कहना इसे मेरा रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होता है, मेरा रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो इधर मैं लिख देता हूं रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कौन से यूनिट का, एक्स का वाई रिकवर करना है, वाई का वेरिएबल कॉस्ट, या जेड का, किसका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना है? जो आपको इंटरनली ट्रांसफर करना है, आपको इंटरनली कौन सा ट्रांसफर करना है? इंटरनल डिमांड किसका है? ऑफ वाई का है, तो वाई का वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लिया तो अपना काम खत्म। सो कैन आई से यहां पे रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड इंटरनली। तुम लोग के लिए एक एक चीज लिख रहा हूं मैं, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, ठीक है? तो यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड इंटरनली, दैट इज यूनिट वाई, एट द रेट रुपीज, कितना है भाई इसका वेरिएबल कॉस्ट? इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 24 रुपया। तो डिवीजन ये बोलेगा, भाई देख मेरा तो स्पेयर कैपेसिटी में मैं बनाने वाला हूं, तो मिनिमम मुझे 24 रुपया भी मिल गया ना तो मैं तो खुश हूं। वो नहीं बोल रहा है 24 रुपया ही दो, बट मिनिमम 24 रुपया भी उसको मिल गया ना तो कोई टेंशन नहीं है उसकी लाइफ में। समझ रहे हो मेरा वर्डिंग? समझ रहे हो? ध्यान से सुनना वो सब जो बोलता हूं मैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? गॉट इट? गॉट इट गाइस? ओके 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 ओके। और इसी के सामने मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा बच्ची? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस वो कितना चार्ज करेगा? एज यूजुअल मार्केट प्राइस। भाई वो बोलेगा देख मैक्सिमम 46 में वो बेच रहा है, बराबर है, मैक्सिमम 46 में वो बेच रहा है, तो मैक्सिमम 46 से ज्यादा तो नहीं चार्ज करेगा। पर सामने हमारा हमारा जो ट्रांसफर ही है वो बोलेगा भाई मेरे पास है ना सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट है ना मेरे को 45 में अवेलेबल है, तो विच एवर इज लोअर, तो मैं क्यों सब्स्टिट्यूट से ज्यादा दू तेरे को? ठीक है कोई बात नहीं, तो एट द रेट 45 विल बिकम द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। आर वी क्लियर गाइस? सो मेरा यहां पे देखो बात करते करते रेंज बन गया, बात करते करते रेंज बन गया 24 to 45। अब ट्रांसफरर है ना 24 में भी बेचने को रेडी था उसका, तो जो था वो, अब 24 के जगह पे उसको मैक्सिमम वो 45 भी देगा तो भी वो खुश है। समझ रहे हो? अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब यहां पे समझो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा, समझो कोई आर्टिकल क्लर्क होगा या कोई अकाउंटेंट होगा, आर्टिकल क्लर्क अकाउंटेंट सब एक ही है, कोई औकात नहीं होता है वो लोग का। अब अगर कोई आर्टिकल क्लर्क होगा ना तो वो क्या बोलेगा, अरे मेरे को तो बाहर 45 में मिल रहा है, जा मैं तेरे पास से नहीं लेता, मैं बाहर 45 से ले लेता हूं। अरे रुक भाई, यहाँ पे ये 24 के ऊपर कितने में भी बेचने को रेडी है, तो इसको अगर 24 के ऊपर 30 रुपया भी मिला ना ट्रांसफरर को, तो भी ट्रांसफरर खुश है, उसको तो एक्स्ट्रा 6 रुपया मिल गया। और ट्रांसफर ही 45 के नीचे कितना भी देने को रेडी है तो उसको 30 में मिल गया, वो दोनों खुश है। बट ये कौन बताएगा? ये रेंज का सिस्टम चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा। यही काम अगर तुम एक आर्टिकल क्लर्क या एक अकाउंटेंट को दोगे, वो लोग में इतना दिमाग थोड़ी होता है, वो लोग तो कोई काम मतलब छोड़ो यार, क्या बोलूं मैं, समझे क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ? अरे तुम लोग दिल पे मत लो, तुम लोग, अरे तुम लोग तो अभी सीए बनने ही वाले हो ना यार, तुम लोग क्या दिल पे ले रहे हो यार? अरे ये लोग, तुम लोग तो ऑलमोस्ट सीए ही हो बस।
सो कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट भाई। Y46 में बेच रहा है मार्केट में, तो अगर वो जो डिवीजन भी है वो सोचता रहे तू 46 में बेच रहा है, मैं बाहर से ले लेता हूँ 45 में, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। यहाँ पे तो वो 30 में भी बेचेगा ना, तो भी कंपनी को भी फायदा, डिवीजन ए को भी फायदा, डिवीजन बी को भी फायदा। ऐसा है ये हमारा रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बना के दिया है। हाँ बता रहा हूं मैं। और क्या आर्टिकल समझ के रखेगा, रेंज बना के देंगे सीधा, ऐसा थोड़ी चालू फालू काम होता है हम लोग का, सीए लोग का। चलो ठीक है, सेकंड पे चलते, सेकंड पे चलते। ए तुम लोग दिल पे मत लो यार, तुम लोग तो ऑलमोस्ट बन गए हो। हाँ आज की तारीख में तुम्हारा कोई औकात नहीं है, मानता हूं। हाँ, तुम लोग बीकॉम के अलावा कुछ नहीं हो, सीए इंटर पास किया उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बट बन जाओगे यार बहुत जल्द। क्या बात कर रहे हो, आई कैन सी द विजुअलाइजेशन। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं अपन लोग केस टू के ऊपर। ए उसके पहले क्या केस वन समझियो एवरीबॉडी। अब तो हाँ बोलोगे ही ना, वरना फिर अगर ना बोल दोगे तो मैं बोल दूंगा हाँ आर्टिकल हो ना, इसके लिए कुछ समझ में नहीं आता है। चलो चलो मैं क्या बोल रहा हूं, समझा क्या सब लोग को, क्लियर इज्जत वाला पक्का। चलो डन। सो ये समझ में आ गया आपने को, इसका लर्निंग्स अपन बाद में लिखेंगे, अभी फ्लो में मैं केस टू लेता हूं। ठीक है, फोर में केस टू लेता हूं। नहीं भाई समझो गुरु, कौन सा लैंग्वेज का है वो सिर्फ मुझे पता है। आपके आर्टिकल घर गए क्या, आप बोलू मैं, छोड़ो एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अरे 101% यार, क्या बात कर रहा है। नंदिनी अग्रवाल AIR 1 स्टूडेंट, AIR 3 मानसी अग्रवाल स्टूडेंट, दोनों ने हमसे ही पढ़ा है, दोनों ने यही तरह से प्रेजेंट किया है। टेंशन नहीं लेने का। हाँ रूम साउंड प्रूफ है, वरना साले आके पीटते मेरे को। गुप्तास भी आते हैं भाई, रैंक वैंक, शिखर गुप्ता, टेंशन मत ले। करेक्ट, चलो सो अभी अपना केस वन हो चुका है ऑन अ सीरियस नोट, अब कहानी को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे केस टू के ऊपर, चलेंगे केस टू के ऊपर। ठीक है आइए, और नंदिनी अग्रवाल तो के वो तो ऑल इंडिया रैंक वन है, उससे तो मेरा खाली फास्ट ट्रैक लिया था। मानसी अग्रवाल जो AIR 3 है उसने मेरा फास्ट ट्रैक प्लस रेगुलर दोनों लिया था। चलो अब आते हैं केस टू के ऊपर, केस टू क्या बोलता है वो देखते हैं अपन लोग। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, अब स्विमिंग करना थोड़ा तुम लोग को आ गया है, अब मैं केस टू के लिए थोड़ा धक्का दूं क्या तुम लोग को, कर पाओगे ट्राई करोगे। चलो ट्राई करते देखते, केस टू में कितना आवर्स अवेलेबल है मेरा, केस टू में कितना आवर्स अवेलेबल है मेरा, 3800 आवर्स अवेलेबल है। चलो आओ देखते हैं, सिर्फ लॉजिक से अगर करोगे ना ट्रस्ट मी सॉल्व हो जाएगा। आओ देखते हैं, केस टू में 3800 आवर्स अवेलेबल है मेरा। ठीक है ये मेरा काइंड ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब सुनो 3800 आवर्स है मेरे पास, 3800 आवर्स है मेरे पास, मुझे एक्सटर्नल डिमांड के लिए कितना आवर्स चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक्सटर्नल डिमांड के लिए आपको चाहिए 5000 आवर्स, बट आपके पास टोटल आवर्स अवेलेबल ही है खाली 3800 आवर्स। तो ये मेरा कौन सा केस हुआ, केस वन फुली स्पेयर तो नहीं है ये,
केस टू पार्ट ऑक्यूपाइड पार्ट स्पेयर भी नहीं है, कहना ही सही है मेरा, कौन सा हुआ? करेक्ट, ये हुआ मेरा केस थ्री फुल्ली ऑक्यूपाइड, बॉस फुल्ली ऑक्यूपाइड केस है। तो क्या अभी ये फुल्ली ऑक्यूपाइड, ए सीधा टीटीएमएम मत लिख आशीष, कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेंगे। कहना ही सही है फुल्ली ऑक्यूपाइड। तो कभी कहना ही सही आप लोगों को वो तीन में से कौन सा केस है वो आइडेंटिफाई करना तो आ गया, बस अब इसका मिनिमम मैक्सिमम तो अपने को आता ही है, वो अपन लोग करेंगे। अब फुल कॉमन सेंस लॉजिक यूज करना है और ये सम सॉल्व होगा, स्टार्ट करते हैं। अब सुनो प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ मैं रोल प्ले कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिवीजन है बोलेगा कि यार देख मेरे को है ना एक्सटर्नल डिमांड के लिए 5000 घंटा चाहिए, ठीक है। अब उसको कॉल आएगा और वो बोलता है भाई मेरे को एक्सटर्नल डिमांड के लिए 5000 घंटा चाहिए, मैं वो ही नहीं कर पा रहा हूं, तो इंटरनल डिमांड तो दूर का बात है। तो अभी वो इंटरनल डिमांड के बारे में सोच ही नहीं रहा है, फिलहाल ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनल डिमांड को साइड पे रखो। फिलहाल मेरे को खाली एक चीज बताओ कि अगर आप डिवीजन ए के मैनेजर हो, आपको एक्सटर्नल डिमांड के लिए 5000 घंटा चाहिए, क्या आपके पास 5000 आवर्स है क्या? नहीं सर, हमारे पास तो 3800 आवर्स ही है। हाँ भाई, सो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब तुम डिवीजन ए के मैनेजर हो, तुम्हारे को चाहिए कि तुम एक्सटर्नल डिमांड पूरा सेटिस्फाई करो, बट तुम्हारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे पास खुद के पास खाली 3800 आवर्स का ही कैपेसिटी है, तो तुम एक्स वाई जेड तीनों पूरा तो नहीं बना पाओगे, तुम एक्स वाई जेड तीनों पूरा तो नहीं बना पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे, क्या तुम प्रोपोर्शनेटली एक्स वाई जेड बनाओगे या फिर क्या करोगे? तुम पूरा तो एक्स वाई जेड तीनों नहीं बना सकते, तुम्हारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? करेक्ट, यहां पे रियल सिचुएशन में आएगा मेरा लिमिटिंग फैक्टर। अब मैं बोलूंगा कि भाई एक्स वाई जेड तीनों नहीं बना सकता, बट कुछ भी हो जाए जो 3800 आवर्स है उसमें प्रायोरिटी मैं किसको बनाऊंगा? पहले पहले जेड को बनाऊंगा, फिर किसको बनाऊंगा? वाई को बनाऊंगा, फिर जो बच गया मैं एक्स को बनाऊंगा। आप मुझे अभी का भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि जेड वाई एक्स कितना कितना यूनिट्स बनेगा और कितना यूनिट्स कितना यूनिट्स एक्स का नहीं बन पाएगा। सीधी सी बात है, देखो जेड और वाई तो बन जाएगा बट एक्स कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो जाएगा, कितना यूनिट्स किसका बन पाएगा ये क्या आप लोग लॉजिकली 2 मिनट में मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? भाई टोटल 3800 आवर्स है, उसमें से पहले आप लोग ने बोला सर जेड को बनाएंगे। सो अब मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं, तब तक आप लोग अपना कैलकुलेशन चालू कर दो। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं बेस्ड ऑन अबव लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन अबव लिमिटेड अवेलेबिलिटी, टोटल आर्स टू बी एलोकेटेड, टोटल आर्स टू बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स विल बी, अब अपन लोग बोलेंगे विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बच्ची समझ में आया क्या तुमको? विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ए समझ यू एवरीबॉडी? चलो अब तुम लोग तो यार इतना फास्ट भाग रहे हो, थोड़ा यार मैं इतना तुम लोग के जितना ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो यार, मुझे करना पड़ेगा आराम आराम से। सो कैन आई से अब मैं बना सकता हूं? अच्छा सुनो, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग तो मैंने बना दिया है ना। अब आइडियली है ना मेरा जो समरी है वो खाली इतना ही बनता था, मेरा जो समरी है वो खाली इतना ही बनता था, बट मुझे पता था पहले से ही, क्वेश्चन को मैंने ध्यान से रीड किया था तो मुझे पता था लिमिटिंग फैक्टर है, तो मुझे लिमिटिंग फैक्टर के लिए ये यूज करना पड़ेगा, तो मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। चलेगा ना पब्लिक, विद योर परमिशन। महेश्वरी जी क्या बात है, बहुत बढ़िया महेश्वरी जी। महेश्वरी जी बोल रहे सर समझ गया पूरा का पूरा। महेश्वरी जी तो गारंटीड तू फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहा है, महेश्वरी जी तू फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहा है, तेरा पूरा सम हो गया लॉजिक के बेसिस पे।
तू बोल रहा है अगर तू सच्ची में फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, तो बोलते हैं ना मेरी छाती फूल गई है। चलो अब अपन क्या बोलेंगे, अब अपने को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि कितना क्या कितना कंजम्पशन कौन कितना यूज करेगा। ओके ओके यूज दिस यूज दिस। लास्ट स्लाइड देख लो देख लो देख लो। तो महेश्वरी जी ग्रेट गोइंग। चलो अब अपने को क्या करना है, 5,000 तो छोड़ो, 3,800 ही है अभी तक, तो मैंने इंटरनल डिमांड और ट्रांसफर राइज लिया ही नहीं है, 3,800 ही है आज अपने पास। तो वो 3,800 घंटे में मैं कितना क्या कर पाऊंगा, आओ फटाफट देखते हैं, आओ फटाफट देखते हैं। सो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ 3,800 आवर्स, आर एलोकेशन इज बेस्ड ऑन आर एलोकेशन बेस्ड ऑन रैंकिंग विल बी एज फॉलोज, विल बी एज फॉलोज। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग फॉर लिमिटिंग फैक्टर एग्जाम में भी समरी में किया तो चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा भाई आशीष, बिंदास बिंदास कर। चलो सो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ 3,800 आवर्स आर एलोकेशन बेस्ड ऑन रैंकिंग विल बी एज फॉलोज। तो क्या है वो, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। मेरे पास टोटल आवर्स अवेलेबल कितना है, तो मेरे पास टोटल आवर्स अवेलेबल है 3,800 आवर्स, ठीक है। इसमें से जेड कितना यूज करने वाला है, यूज्ड बाय जेड कितना है, तो जेड बोल रहा है भाई मेरे को तो 300 यूनिट ही बनाना है, मेरे को तो 300 यूनिट ही बनाना है। भाई किधर है, हाँ मेरे को तो 300 यूनिट ही बनाना है, एक यूनिट के लिए मुझे 2 घंटा चाहिए, तो कहना इसे 600 आवर्स। सो 300 यूनिट्स एट द रेट 2 आवर्स पर यूनिट, कहना इसे 600 आवर्स, ठीक है। तो मेरा अभी आवर्स रिमेनिंग कितना हो गया, आवर्स रिमेनिंग कितना हो गया सर, 3,200 आवर्स। अब मैं सेकंड प्रायोरिटी किसको दूंगा, देखो जेड को क्यों पहले दिया, क्योंकि उसका रैंक 1 था। अब रैंक 2 किसका है, वाई का है, सो रैंक 2 वाले को दूंगा यूज्ड बाय वाई, विच इज क्यू, ऐसा कर रहा हूं क्योंकि उसका रैंक 2 है। अच्छा उसका रैंक 2 है तो उसको मैंने दे दिया माइनस, कितना करूंगा वो, कितना आवर्स खाएगा वाई, कितना आवर्स खाएगा खाली अभी इंटरनली देखना, तो 2,000 आवर्स खाएगा वाई। सो इधर अपन लोग ने लिख दिया 2,000 आवर्स। अब जो बच गया बैलेंस उतना ही जाएगा एक्स को, तो बैलेंस बच गया है मेरा 1,200 आवर्स डिवाइड बाय 4 आवर्स पर यूनिट, डिवाइड बाय बराबर है 4 आवर्स पर यूनिट ऑफ एक्स विच इज 4 आवर्स। सो यहां पे आ जाता है 300 यूनिट्स ही बन पाएगा एक्स का। इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला इसका, के इसका कंक्लूजन क्या निकला, ये बराबर कर रहा हूं ना मैं, एक्स का 3 आवर्स है, सॉरी 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 एक्स का 3 आवर्स है, सॉरी। हाँ तो एक्स 3 आवर्स, सो कैन आई से 400 यूनिट्स ही बन पाएगा मेरा यहां पे एक्स का। कंक्लूजन निकला कि एक्स कंक्लूजन निकला कि एक्स तेरा 300 यूनिट ही बन पाएगा, वाई तेरा पूरा 500 यूनिट बन जाएगा तू खुश रहे, जेड तेरा पूरा 300 यूनिट बन जाएगा तू भी खुश रहे। ए समझ गड़ू, डन, इधर तक सब लोगों को समझ में आ गया? चलो डन है गाइस, डन है। डन है डन है डन है डन है डन। ओके अब सुनो,
अब सुनो, अब सुनो, अब बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सबसे क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये समझ में आ गया तो लिमिटिंग फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन आने दो, भी ट्रांसफर प्राइसिंग तुम लोग उसको आराम से कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है। अब डिवीजन ए बोलता है, बॉस 5,000 घंटा मेरे को चाहिए था बट मेरे पास नहीं है, 3,000 घंटा ही है, उसमें भी एक्स, तो मैं 400 यूनिट ही बना पा रहा हूँ, बेचारे को 800 यूनिट चाहिए बट नहीं बना पा रहा हूँ, वाई 500 यूनिट बना रहा हूं जितना उसको चाहिए, जी 300 यूनिट बना रहा हूं जितना उसको चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। सो आई थिंक मैंने ये कर दिया। अरे यार, एक्स 400 यूनिट, भावनाओं को समझो ना रे, समझ गए ना तुम लोग? चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, अब डिवीजन ए बोल रहा है, भाई मेरा तो 3,800 घंटे में इतना इतना यूनिट बन जाएगा। अब उसको कॉल आया, डिवीजन बी का कॉल आया उसको। डिवीजन बी बोलता है, ए डिवीजन ए मेरे को 300 यूनिट्स ऑफ वाई चाहिए। तो डिवीजन ए बोलता है, अरे डिवीजन बी भाई, मैं यार इधर मेरा खुद का एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं, तेरे को कहां से दूंगा? डिवीजन बी बोलता है, नहीं मेरे को चाहिए, मतलब मेरे को तेरे पास से ही चाहिए। तो डिवीजन ए बोलता है, अरे क्या करूं मैं खुद का भी नहीं कर पा रहा हूं। तो डिवीजन बी बोलता है, ठीक है ना, तू थोड़ा तो बाहर बेच रहा है ना, उसको सेक्रीफाइस करके दे दे। तो डिवीजन ए बोलता है, भाई मैं उसको सेक्रीफाइस करूंगा ना तो मैं पूरा का पूरा तेरे से उतना पैसा लूंगा। तो डिवीजन बी बोलता है, हाँ ले ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा कैलकुलेशन तो भेज, बैठेगा तो ठीक है, वरना अपने पास लास्ट ऑप्शन TTMM तो है ही ना। डिवीजन ए बोलता है, ठीक है मैं मेरा कैलकुलेशन करके भेज देता हूँ, बट मैं तेरे को पहले ही बोल रहा हूँ मैं फुल्ली ऑक्यूपाइड हूँ, मैं पूरा पैसा लूंगा। अरे ले ना भाई, ना बोला क्या तेरे को? डिवीजन ए बोल रहा है, नहीं ठीक है मैं कैलकुलेशन करके दे देता हूँ। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो डिवीजन ए ने बोला, पहले ना बोल दिया, बट डिवीजन ए बी ने बोला, अरे तू तेरा भाव बोलना। देखो मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखना, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, हर चीज बिकती है, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, ये चीज हमेशा याद रखना। तुम वो वैल्यू दोगे ना तो सामने वाला दुनिया का कोई भी आदमी हो आएगा झुकेगा, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, याद रखना ये बात। तो डिवीजन भी बोल रहा है, तू तेरा वैल्यू बता ना भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, जमेगा तो ठीक नहीं जमेगा तो नहीं, चल बता मेरे को वैल्यू और बोल। फोन रख दिया उसने। डिवीजन ए ने इमीडिएटली कॉल किया मेरे को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बोला यार देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है क्या करूं। तो डिवीजन ए को अपन ने बोला, टेंशन मत लो, आता हूं ना मैं सॉर्ट करता हूं। अब अपने को बुलाया, अपन ने बोला अच्छा अच्छा ऐसा सिनारियो है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूछा, बोला कि भाई अपने को डिवीजन बी को कितना यूनिट्स भेजना है। तो डिवीजन ए वाला बोलता है, सर 300 यूनिट चाहिए उसको। अच्छा, अगर उसको 300 यूनिट चाहिए, मतलब कहने से, अभी देखो यहाँ पे तो लिमिटेशन फैक्टर आर्स का है, तो अपने को आर्स के एंगल में देखना है, एक यूनिट बनाने के लिए वाई का कितना आर्स खाता है वो। वाई सर एक यूनिट बनाने के लिए, सर एक वाई कितना आर्स खाता है एक यूनिट बनाने के लिए? सर वाई एक यूनिट बनाने के लिए सर 4 घंटा खाता है। कितना घंटा खाता है? 4 घंटा खाता है। कितना घंटा खाता है? 4 घंटा खाता है वो। तो यहाँ पे उसने बोला अच्छा ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अपने को 1200 आवर्स चाहिए, बराबर है? बिल्कुल सर बराबर है। अच्छा 1200 आवर्स चाहिए। कि मैंने इधर, हाँ इन शॉर्ट अपने को इन शॉर्ट बी का सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब वाई 300 यूनिट और बनाना है अपने को, तो कहना है इससे 1200 आवर्स चाहिए। हाँ सर अपने को टोटल 1200 आवर्स चाहिए। तो अब मैं एक ही क्वेश्चन आपको पूछूंगा जिससे मुझे पूरा आंसर मिल जाएगा, अगर मेरे को ये 1200 आवर्स चाहिए तो मैं किसको सेक्रीफाइस करूं, जेड को सेक्रीफाइस करूं, वाई को सेक्रीफाइस करूं या एक्स को सेक्रीफाइस करूं, बस मुझे इतना बता दो तो मेरा काम हो जाएगा। मैं किसको सेक्रीफाइस करूं, एक्स को करूं, वाई को करूं या जेड को सेक्रीफाइस करूं, बोलो मुझे। सर 101% आप एक्स को सेक्रीफाइस करो। क्यों? चलो तुम लोग सब लोग ने आंसर करेक्ट दिया, एक्स को सेक्रीफाइस करो। क्यों क्यों एक्स को सेक्रीफाइस करूं? कैन आई से, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लोएस्ट है, उसका रैंक 3 है। बस हो गया अपना काम, हो गया, आप जीत गए, आप जीत गए। तो अब मैं बोलता हूं यूनिट्स रिक्वायर्ड बाय इंटरनल टीम, यूनिट्स रिक्वायर्ड
बाय इंटरनल टीम, कितना यूनिट्स रिक्वायर्ड है सर? 300 यूनिट्स चाहिए वाई का एट द रेट 4 आवर्स, मतलब कहना इसे 1200 घंटा चाहिए उसको अपना, 1200 घंटा रिक्वायर्ड है, 1200 घंटा रिक्वायर्ड है। बारह सौ घंटा रिक्वायर्ड है उसका। बट अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, 1200 आवर्स जो रिक्वायर्ड है, 1200 आवर्स जो रिक्वायर्ड है, इस 1200 आवर्स के लिए अपन किसको सेक्रीफाइस करेंगे? सो अपन लोग करेंगे, वी विल सेक्रीफाइस प्रोडक्ट एक्स। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट रैंकिंग है। वी विल सेक्रीफाइस प्रोडक्ट एक्स बिकॉज इट हैज लीस्ट रैंकिंग। अच्छा, अब जैसे ही आप प्रोडक्ट एक्स को सेक्रीफाइस करने जाओगे, एक्स भड़क जाएगा आपके ऊपर। एक्स बोलेगा, सर ये क्या खुफिया बनती है, मेरे को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो? मैं अगर आप सेक्रीफाइस करते हो ना मेरे को, तो मेरी वजह से आपको कितना नुकसान होगा पता है? मैंने उसको पूछा, कितना नुकसान होगा बता। तो एक्स मेरे को बता रहा है कि सर अगर आप मेरे 1200 आवर्स ऑफ एक्स सेक्रीफाइस करते हो, तो आपको पता है सर मैं 1 घंटे का कितना कमा रहा हूं? मैं सर 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा हूं। एक्स बोलता है, सर मैं 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा हूं। आपको पता है? अच्छा, तो तू 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा है। यस सर, अगर मैं वो 1 घंटे का 5 रुपया तेरे को दे दूं तो सर एक्स बोलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उतना मुझे दे दो। अच्छा ठीक है। सो यहां पे अपन बोलेंगे एक्स का कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बाय प्रोडक्ट एक्स हो रहा है? वेल इट इज 5 पर आर, वेल इट इज ₹5 पर आर। तो 1200 आवर्स एट द रेट 5 पर आर, तो टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना हो रहा है एक्स का? टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स कितना हो रहा है? कैन आई से ₹6,000 का? भाई 1200 घंटे का नुकसान हुआ, 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा है एक्स, तो 6,000 रुपए का नुकसान हुआ। अपन लोग क्या बोलेंगे पता है क्या डिवीजन वाई को? अपन लोग अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, सुन डिवीजन बी, सुन मेरी बात, मेरे को तेरे को 300 यूनिट्स ऑफ वाई देना है, तो तू मुझे ऐसा कर, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड उतना तो दे ही दे। कितना है सर? 300 यूनिट पे, 1 यूनिट पे कितना है मेरा वेरिएबल कॉस्ट वाई का? 24। तो एट द रेट 24 पर यूनिट, सो 300 × 24 7,200 रुपीज, 7,200 मुझे ट्रांसफर कर दे, इतना तो चाहिए। प्लस डिवीजन बी, तेरे को पता है तेरी वजह से मेरे एक्स का 6,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो डिवीजन बी बोल रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है, तेरे को बोला ना जो भी नुकसान हो रहा है वो मेरे को दे दे। ठीक है, प्लस प्लस क्या प्लस करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस 6,000 अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अपन उसको बोलेंगे, भाई सुन डिवीजन बी, मुझे ना 13,200 रुपए ट्रांसफर कर दे। तो डिवीजन बी बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे 1 यूनिट का बता कितना करूं, 1 यूनिट का बता। तो वो बोलता है, सर 1 यूनिट का अगर भाई 13,000 टोटल करना है, टोटल यूनिट्स कितना ट्रांसफर करना है सर? 300 यूनिट ट्रांसफर करना है, मतलब कैन आई से मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 13,200 डिवाइड बाय जितना यूनिट ट्रांसफर करना है, तू मुझे 44 ट्रांसफर कर देगा ना, मैं खुशी खुशी तेरे को एक्स सेक्रीफाइस करके 300 यूनिट जो उसका आर सेक्रीफाइस करके मिल रहा है वो पूरा का पूरा तेरे को दे दूंगा, तू भी खुश मैं भी खुश, वाह क्या बात है। और ये अपना जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आया है उसके सब्स्टिट्यूट वैल्यू से भी कम आया है, वो तो बहुत बहुत खुश हो जाएगा डिवीजन बी। फ्लो में बता दिया, अब मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन करूंगा जिसको नहीं समझ में आया। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, तुम्हारा भाई है इधर, डोंट वरी। बट अभी मैं एक फ्लो में था, मैंने बता दिया। कोई है इधर, कोई भी है इधर जिसको समझ में आया हो मैंने क्या समझाया? कौन, कितने लोग हैं जिसको समझ में आया? मी
कोई है जिसको समझ में आया, मैं पूरा वापस से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट कोई है जिसको समझ में आया? ओ इतने सारे लोग, क्या बात है। पर मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, मैं हूं वापस से समझाऊंगा, डोंट वरी। सचिना क्या हुआ बोल, चेतन बोल रहा है थोड़ा थोड़ा आया, ब्रदर आई एम देयर, पूरा पूरा करेंगे, यस पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। चलो गुड टू सी मेजोरिटी क्राउड बोल रहा है आया समझ में, बट मैं माइनॉरिटी के साथ जाऊंगा और पूरा इसको री एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना, वापस से पूरा रिपीट करता हूं मैं लॉजिकली। मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है लॉजिक। ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन तो लिखवा दिया जो मेरा कर्तव्य है, अब मैं वापस लॉजिक के ऊपर जाता हूं और लॉजिक के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। यस सचिना, 3800 आवर्स में ही अपन लोग ने 1200 आवर्स के एडजस्टमेंट किए। अब सुनो, मेरे पास टोटल 3800 आवर्स है, उसमें से अभी मेरे को कॉल आया डिवीजन बी का, लॉजिक चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो मैं पूछते जा रहा हूं, जिस जिसको नहीं समझा वो जवाब देगा, आपको समझते जाएगा। मेरे पास 3800 आवर्स है जिसमें मैं फिलहाल एक्सटर्नली भेज रहा हूं। अब वन फाइन डे मुझे कॉल आया इंटरनल डिपार्टमेंट का, और इंटरनल डिपार्टमेंट बोलता है सुन, मेरे को है ना 300 यूनिट्स ऑफ वाई चाहिए। मैंने डिवीजन ए हूं मैं, मैंने बोला कि अच्छा 3000 यूनिट ऑफ वाई मतलब तेरे को 3000 यूनिट ऑफ वाई बनाने के लिए मेरे को 1200 घंटे चाहिए, 1 यूनिट का 4 घंटा, मतलब मेरे को टोटल तेरे को अगर गुड्स ट्रांसफर करना है डिवीजन बी तो 1200 आवर्स चाहिए। डिवीजन बी बोलता है यस, अगर मैं वो 1200 आवर्स दे निकालता हूं तेरे लिए तो मुझे मेरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, करेक्ट? तो मैं अभी किसको सेक्रीफाइस करूंगा? उस प्रोडक्ट को जो रैंक थर्ड है, विच वॉज एक्स। तो एक्स मेरा मैं सेक्रीफाइस करता हूं, तो एक्स का क्या एक्स 1200 आवर्स ले रहा है? हाँ, अगर मैं एक्स का 1200 आवर्स सेक्रीफाइस करता हूं, देन इन दैट केस उसको नुकसान हो जाएगा। वो 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा है, तो 1200 घंटे अगर मैं उसका सेक्रीफाइस करता हूं तो टोटल 6000 रुपए उसके सेक्रीफाइस हो जाएंगे, बराबर है? तो 6000 रुपए जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, क्या वो तू रिकवर करके देगा? डिवीजन भी बोलता है हाँ। तो एक तो वो 6000 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो तो रिकवर करके दे ही, प्लस ये जो 300 यूनिट मैं तेरे लिए बना रहा हूं वो बनाने के लिए भी तो मुझे खर्चा लगेगा। तो 1 यूनिट का 24 रुपए का खर्चा है, सो 300 यूनिट बनाने का 24 रुपए का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो लगना ही है 7200, प्लस जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हुआ है वो भी रिकवर करके दे दे, तो डिविजन ए के लेवल पे मैं खुश हो जाऊंगा। एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ किन किन लोगों को नहीं समझा, मैं पूरा का पूरा वापस एक्सप्लेन करूंगा। ये देख लो, ये देख लो, ये बहुत क्रुशियल है भाई। मेरे को कुछ भी हो जाए ये 7200 का खर्चा तो होने ही वाला है, क्योंकि अगर मुझे उसको 300 यूनिट ट्रांसफर करना है तो ये 300 यूनिट बनाने पड़ेंगे। ये बनाने का खर्चा है 24 रुपया 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 7200 तो लगने ही वाला है। बट साथ में जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो भी मैं रिकवर करवा रहा हूं, तो डिवीजन ए खुश। डिवीजन ए बोलता है चलो अब मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मैं प्रॉफिट सेंटर हूं, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ नुकसान, तो मिनिमम मुझे इतना दे दो, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। तो टोटल उसको 13200 चाहिए, 7200 वो बनाने का, 6000 जो उसको नुकसान हुआ आपको ट्रांसफर करने का, वो दोनों मिला के 13200 आता है फॉर 300 यूनिट्स, मतलब 1 यूनिट पे 44 दे दो, वो खुश है, वो खुश है, वो खुश है। सर इज इट राइट टू इवन इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस इन ट्रांसफर प्राइस? ऑब्वियसली ये ट्रांसफर की वजह से ही तो ये लॉस हुआ है, बट याद रखना इधर कंफ्यूजन क्या होता है पता है, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड है, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस सेक्रीफाइस का है। सो ये जो बना रहा हूं मैं उसका है, विच इज वाई, बट सेक्रीफाइस एक्स हो रहा है, सेक्रीफाइस एक्स हो रहा है क्योंकि उसका लास्ट रैंकिंग है। क्या बात है, अच्छा हुआ ये डाउट आया। वैभव बंसल ने एक डाउट पूछा है जो हर बैच में एक स्टूडेंट मुझे पूछता ही है, और वो गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूं वैभव जी। वैभव बोल रहा है सर वाई है ना 500 यूनिट्स बना ही रहा है, तो वाई को बोलो ना 500 यूनिट्स में से वो 300 यूनिट बी को दे देगा, 200 यूनिट एक्सटर्नली सेल कर लेगा। भाई अगर ऐसा करता है ना तो तू कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट में जा रहा है,
क्योंकि तू क्या कर रहा है पता है क्या, तू टोटल बना रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा, उसमें से तू थोड़े ट्रांसफर कर रहा है भाई को, बट उससे बेटर ऑप्शन है कि मैं एक्स को सैक्रिफाइस करूं। तो इनडायरेक्टली है ना यहाँ पे वाई को सैक्रिफाइस करवा रहा है, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा, बिकॉज इट इज अगेंस्ट माय कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ट्राई करना वैभव, तुझे आंसर मिल जाएगा, तुझे समझ जाएगा कि ओ ये तो गलत जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पब्लिक पूछता है, सर 500 में से 300 उसको दे दो, 200 इसको दे दो। नहीं, क्यों मैं 500 का, क्यों मैं 300 इसको दू और मेरा एक्सटर्नल डिमांड तोड़ू, क्यों मैं मेरा एक्सटर्नल डिमांड तोड़ू? भाई अगर मैं 300 इसको दे रहा हूं, मतलब मैं 300 का एक्सटर्नल डिमांड तोड़ रहा है ना, मैं क्यों तोड़ू वाई का एक्सटर्नल डिमांड? मेरे को तोड़ना ही एक्सटर्नल डिमांड, तो मैं एक्स का तोड़ू ना, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कम है। दैट्स द होल लॉजिक। करेक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड यू आस्क दिस क्वेश्चन, वरना मैं ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूछता। अभी और एक मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन है, वो मैं पूछने वाला हूं, बट पहले बेस क्लियर हो जाए फिर मैं पूछूंगा। यस गौरव, चलो समझियो एवरीबॉडी, अब किस किस को डाउट है वो बोलो। कुछ लोग बोल रहे थे बीच बीच में कि मेरे को डाउट है, मेरे को वो लोग को देखना है। कौन कौन बोले थे मुझे डाउट है? देखो देखो देखो, अरे किसी को डाउट ही नहीं है क्या? जिसको डाउट है वो पूछ लो यार, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट बाय प्रोडक्ट एक्स कैसे आया? मैं बताता हूं कैसे आया कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट बाय प्रोडक्ट एक्स। ये रहा, देख सुन, तुझे 300 यूनिट वाई का बनाना है तो 1200 आर चाहिए। करंटली अगर तू नोट करेगी ना, तो स्मृति करंटली तू नोट करेगी ना, तो एक्स 1200 आर जी खा रहा है, एक्स 1200 आर जी खा रहा है। तो एक्स को अपन बोलेंगे तू तेरा पूरा 1200 आर हम लोग को दे दे, हम लोग को वाई बनाना है इंटरनल डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए। अब अगर ये 1200 आवर्स वो सैक्रिफाइस करता है, तो एक्स 1 घंटे का कितना कमा रहा है वो अपन लोग ने यहां पे कैलकुलेट किया था। एक्स 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, देख एक्स 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा है, एक्स 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा है, दिखा एक्स 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा है। तो अगर एक्स 1 घंटे का 5 रुपया कमा रहा है, उसका 1200 घंटा अपन ने सेक्रीफाइस करवाया, तो टोटल उसे 6000 रुपया सेक्रीफाइस करवाया ना, जो वो अदरवाइज कमा लेता। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब ये रिकवर करके दे देगा। सर सौरभ बोल रहा है, सर अगर कंट्रीब्यूशन फैक्टर के अगेन जाके कभी नहीं, ये वर्ड उसके बाद आगे का मैं रीड ही नहीं करूंगा। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट में आप गए, मतलब आप अपने प्रॉफिट को तोड़ रहे हो। यू कैन नेवर एवर डू दैट, यू शुड नेवर एवर डू दैट। देखो वैभव वाला पॉइंट थोड़ा हाई लेवल वाला पॉइंट है, जरूरी नहीं है उसको समझो, बट फिर भी बता देता हूं। वैभव बोल रहा है कि सर आप 500 यूनिट जो वाई बना रहे हैं ना एक्सटर्नल डिमांड के लिए, उसमें से 300 इसको दे दो। अगर मैं उसमें से 300 इंटरनल को देता हूं, मतलब वाई इनडायरेक्टली अपना 300 यूनिट का डिमांड जो एक्सटर्नल था वो नहीं कर पाएगा ना फेवर, तो वो ऐसा क्यों अपना एक्सटर्नल डिमांड को तोड़े? एक्सटर्नल डिमांड मेरे को अगर तोड़वाना ही है तो मैं एक्स का तोड़वाऊ ना, जिसका ओवरऑल जो लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग आई मीन कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कम है, मैं वाई का क्यों एक्सटर्नल डिमांड तोड़वाऊ? दैट्स द लॉजिक। रिया शाह का अच्छा क्वेश्चन है, रिया शाह तेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका ऑपोजिट क्वेश्चन पूछती तो अच्छा होता, बट सुन। रिया शाह बोल रही है कि अगर 1200 आर से कम होता तो सपोज 300 यूनिट्स के जगह पे उसको 200 यूनिट्स ही चाहिए, इंटरनल टीम को 200 यूनिट्स चाहिए, तो अपन बोलते 200 यूनिट्स एट द रेट 4, मतलब 800 आर सेक्रीफाइस करवाना पड़ता, तो 800 आर का एट द रेट 5 तो अपन 4000 ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट आता। तो अपन यहां पे लिखते 7200 जो लगना है वो तो लगना ही है, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस 4000 का ही आएगा, 11200 डिवाइड बाय 300 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज आएगी रिया जी, समझी रिया? अब मैं आपको एक ट्विस्ट डालता हूं, अगर यहां पे 1200 के जगह पे 1500 आर चाहिए होता, तो सपोज इंटरनल टीम बोलता हम लोग को है ना 500 यूनिट चाहिए, एट द रेट 2,
500 यूनिट चाहिए, तो 500 यूनिट एट द रेट 4 आवर्स मतलब 2000 घंटा हुआ। अब यहाँ पे एक्स बोलेगा सर मेरे पास तो खुद के पास खाली 1200 घंटा है, तो अपन क्या करेंगे 1200 घंटा एक्स का, 800 घंटा फिर अपन लोग वाई का सेक्रीफाइस करेंगे, और यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट आ रहा है ना इसमें एक्स का 1200 घंटे का मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ वाई, तो उसका जो एक्स्ट्रा आवर्स है उसका एक्स्ट्रा आवर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस आ रहा है 5.5 वो भी ऐड करेंगे, तो 1, 2, 3 तीनों चीजें ऐड करके जो कॉस्ट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स वो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बनेगा, वो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बनेगा। समझे क्या? तुम्हारे हर सवालों का जवाब है मेरे पास, टेंशन मत लो। टन डन टन टन। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, डन है सब लोग का, पॉजिटिव कंफर्मेशन आ गया है कच्चा, चलो ग्रेट। अब आ जाते हैं अपन लोग मैक्स टीपी के ऊपर, अब आ जाते हैं अपन लोग मैक्स टीपी के ऊपर। क्या हुआ बोल प्रिया, कौन सा वाला? ग्रेट है मितेश, हाँ नोट करने का टाइम दे दूंगा। आशीष हाँ, तो अपन लोग क्या कर लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस जो भी हो रहा है ना, देख वाई को जितने में ट्रांसफर करना है उसका कॉस्ट ऐड कर, और जो तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना लॉस्ट वो सीधा इधर करते जा, लिखते जा इधर। सो तेरा वेरिएबल कॉस्ट जितना तेरे को बनाने का खर्चा है वो गया, प्लस तेरा जो भी नुकसान हुआ है ना बाहर बेचने की वजह से वो इधर ऐड करते जा, तो खत्म, तेरा फिर टेंशन ही नहीं, तुझे उतना रिकवर हो गया है पैसा। करेक्ट स्मृति, हाँ अगर 1500 आवर्स चाहिए होता। अब यहां पे क्या हुआ कोइंसिडेंटली पता है क्या, वापस से मैं 1500 वाला बता दो, कोइंसिडेंटली एक्स का 1200 आवर्स ही था और हम लोग को 1200 आवर्स ही सेक्रीफाइस करना पड़ा। सपोज 1500 आवर्स सेक्रीफाइस करना पड़ता तो अपन एक्स का 1200 करते और वाई का 300 आवर्स सेक्रीफाइस करते, तो ऐसा करते तो अपन लोग अगेन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड ये तो इतना ही रखते, प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ यूनिट सेक्रीफाइड एक्स 1200 घंटा इंटू 5 वही रखते, बट प्लस और एक कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है मेरा 300 घंटा वाई का जो वो अदरवाइज यूज करता था वो इंटरनल डिमांड के लिए यूज हो रहा है, तो 300 इंटू 5.5 जो वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन पर आ रहा है वो भी इधर मेरा एड हो जाता, तो जितना बनाने के लिए खर्चा प्लस उनकी वजह से जो भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है वो यहाँ पे एड हो जाएगा, टोटल जो भी आता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव मी माय मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। प्रिया अभी क्लियर? शोभिता बोल रही है एक्स का वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं करेंगे क्या? अरे मैं एक्स का कंट्रीब्यूशन रिकवर कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन में सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ गया बेटा, कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं ना इधर, कंट्रीब्यूशन क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बाय डिफॉल्ट वो मेरा कवर हो गया है, मुझे नुकसान कितना हो रहा है वो रिकवर करवा के दे दे बस, एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट से मतलब है। इसके लिए मैंने बोला था बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कितना मेरा नुकसान हो रहा है 6000 का, उतना मुझे रिकवर करके दे दे, एक्स खुश, टेंशन खत्म। करेक्ट, अगर 1500 घंटे चाहिए तो अपन Y का एक्सटर्नल डिमांड सेक्रीफाइस करेंगे, Y का 300 घंटा एक्सटर्नल डिमांड सेक्रीफाइस हुआ तो एक घंटे में वो 5.5 पक्का मारा है, ऐड करो यहां पे वो रिकवर करवा के दे दो, खत्म। ले तो चगास, वाह मजा आ गया डाउट सॉल्व करके, मजा आ गया बिकॉज अब आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो, अब आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो।
हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई चलो भाई। चलो 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 अब अपन लोग इसका मैक्स ट्रांसफर प्राइस भी निकालना है। अरे वो तो एक सेकेंड का काम है। मैक्स ट्रांसफर प्राइस विल ऑलवेज बी मार्केट प्राइस और सब्स्टिट्यूट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो 45 रेंज बन गया ना भाई, 44 to 45। अब 44.5 पे भी अगर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफरर भी खुश, साला 44 की जगह 44.5 मिल गया, ट्रांसफर ही भी खुश, 45 देने की जगह 44.5 देने में काम हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ ट्रांसफर प्राइस, दिस इज द मैजिक ऑफ ट्रांसफर प्राइस। चलो अब थर्ड केस हार्डली 5 मिनट में हो जाएगा, हार्डली 5 मिनट में हो जाएगा। हार्डली 5 मिनट में आओ दिखाओ। चलो दिखाता हूं थर्ड केस, सुनो थर्ड केस। 5600 आवर्स अवेलेबल है, क्या होगा क्या होगा? आवर्स अवेलेबल 5600 आवर्स, क्या होगा क्या होगा? सबसे पहले कभी भी एक्सटर्नल डिमांड देखने का, सबसे पहले कभी भी एक्सटर्नल डिमांड देखने का, ये एक्सटर्नल डिमांड कितना है। तो एक्सटर्नल डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए मुझे 5000 घंटा चाहिए, यहां पे सब आवर्स में है बराबर है। तो मेरे पास स्पेयर आवर्स कितना बचा, 600 घंटा। अब मेरे पास इंटरनल डिमांड आया, बच्ची मेरे पास इंटरनल डिमांड आया, कितने का इंटरनल डिमांड आया? सर मेरे पास इंटरनल डिमांड आया 300 यूनिट्स ऑफ वाई एट द रेट 4 आवर्स इक्वल टू 1200 आवर्स का इंटरनल डिमांड आया। अब अगर 1200 आवर्स का इंटरनल डिमांड आया है तो अपन बोलेंगे 1200 आवर्स का इंटरनल डिमांड आया है, इसमें से 600 घंटा, इसमें से 600 आवर्स स्पेयर वाला है, बट जो 600 आवर्स सेक्रीफाइस वाला है उसको देखना पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई करो, मैं करने ही वाला हूं, सीधी सी बात है डोंट वरी, बट मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई करो। करोगे क्या? प्लीज ट्राई करो, ये देख के ट्राई करो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश। स्टार्ट एवरीबॉडी। अच्छा केस कौन सा हुआ ये आप लोगों को समझ में आ गया? पार्टली स्पेयर पार्टली सेक्रीफाइस, मतलब पार्टली ऑक्यूपाइड।
चलो भाई बहुत टाइम दे दिया आप लोग को, देखते हैं क्या रंग खिलाए हैं, क्या गुल खिलाए हैं आपने। चलो भाई क्या गुल खिलाए हैं ये भाई, मैंने कहा बोला 34, मुझे करने तो दो, मुझे करने तो दो। चलो अब मैं स्टार्ट करूं। सुनो देखो, इन दिस सिचुएशन ऑलवेज एक चीज याद रखने का कि भाई उसको ट्रांसफर कितना करना है, 300 यूनिट। अभी अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, बच्ची अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में कुछ भी हो जाए, कहना है इससे वेरिएबल कॉस्ट तो लगने ही वाला है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड लगने ही वाला है। 300 यूनिट एट द रेट 24 पर यूनिट, विच इज 7200, 7200। सही है, चलो ठीक है, 7200 तो कुछ भी कर लो उतना तो बनाने को लगने ही वाला है। अब जो ट्रांसफर और डिवीजन, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफर के एंगल से सोचते हैं, ट्रांसफर और डिवीजन को किस चीज का टेंशन है? ट्रांसफर और डिवीजन को खाली एक ही चीज का टेंशन है भाई जी, ट्रांसफर और डिवीजन को एक ही चीज का टेंशन है कि सर मेरा यहाँ पे जो स्पेयर है वो तो चलो फ्री में आप ले लो, मतलब वो तो ठीक है, बट जो सर सेक्रीफाइस कर रहा हूं ना मैं, उसका प्लीज मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस दे दो। अच्छा ये 600 घंटा मैं किसका सेक्रीफाइस करूंगा, जिसका लास्ट रैंकिंग है विच इज प्रोडक्ट एक्स। तो अब अपन बोलेंगे भाई एड कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड प्रोडक्ट एक्स। 600 घंटा एक्स का गया, 1 घंटे का बेचारा 5000 कमा लेता था, तो 3000 रुपया वो कमा लेता था, उसको रिकवर करके दे दे भाई डिवीजन बी। अरे कर दूंगा। सो इन शॉर्ट, अगर डिवीजन बी ने मुझे टोटल 10200 दे दिया तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं बाहर से भी 3000 कमा रहा था, तू 3000 रुपए मुझे कमा के दे दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यहां से आए या यहां से आए। और जो मुझे 7200 है वो तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएगा, बाकी मैं कितना कमा रहा था, जो मेरा लूज हुआ 3000 वो मुझे इसने दे दिया। समझो मेरी बातों को, समझो, समझ जाएगी चीज। डिवाइड बाय कितना यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड, तो बोलो कितना आता है। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू ₹34 पर यूनिट। डन 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 डन। ए भाई कोई डाउट हो तो पूछो, मैं क्या ऐसे बैठा हूं तुम लोग क्या देखने के लिए। एनी डाउट्स एनीबॉडी? क्या बात है, बस। और मैक्स ट्रांसफर प्राइस में तो तुम लोग चैंपियन हो ही यार, मार्केट प्राइस और सब्स्टिट्यूट वैल्यू 46 45 विच एवर इज लोअर। सही है, एकदम सही है। ओके, इसी के साथ बनता है मेरा रेंज 34 to 45। सही है ना, समझ गए तीनों केसेस? कोई डाउट है किसी को कि गच्चा? एवरीबॉडी गच्चा है? चलो अब लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे, और याद रखना लर्निंग्स मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लर्निंग्स, आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला लर्निंग, लर्निंग्स पर ये कौन सा केस है? इन केस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग।
डन, चलो आओ। फर्स्ट फर्स्ट केस है फुल्ली स्पेयर, तुम लोग मुझे बताओगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फुल्ली स्पेयर इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग विद लिमिटिंग फैक्टर में फुल्ली स्पेयर में क्या आएगा, आप मुझे बताएंगे। ढंग से लिखो, खाली वेरिएबल कॉस्ट मत लिखो, इसमें ना तीन प्रोडक्ट है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट किसका, एक्स का, वाई का कि जेड का, पूरा लिखो बराबर से। हाँ तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वाई नहीं लिख सकते ना, ये तो लर्निंग है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड, वेरी गुड प्रयास। सो फर्स्ट केस, फुल स्पेयर कैपेसिटी। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मैक्स ट्रांसफर प्राइस। डन, क्लियर है, क्लियर है। केस टू, बोलो केस टू क्या है। अपने ये वाले केस में था फुल्ली ऑक्यूपाइड, देखो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा इसमें, बोलो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या आएगा। अब ये बहुत क्रूशियल है, ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी सैक्रिफाइस्ड। सही बोल रहा हूं? ओके परफेक्ट यार, तुम लोग ही एक्चुअली बोल रहे हो, मैं तो तुम लोग का ही कॉपी करने को आया हूं ऐसा लग रहा है। मार्केट प्राइस और सब्स्टिट्यूट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब इसके बाद वाला स्पेयर कैपेसिटी हुआ तो भी यही आएगा। स्पेयर पार्टली, स्पेयर पार्टली ऑक्यूपाइड हुआ तो भी यही आएगा, देख लेना। देख लो, फुँ। डन, कंट्रीब्यूशन लॉस कैसे निकालते हैं, जितना भी आर्स सेक्रीफाइस हुआ, चलो तो वो भी तुम्हारे लिए लिखवा देता हूं यहां पे। कंट्रीब्यूशन लॉस कैसे निकालते हैं, आर्ज सैक्रिफाइस्ड मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर। हाँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स भी आएगा, करेक्ट मिति।
श्रेया बताऊंगा मैं, वो अभी नहीं, लास्ट में, अभी अपने को एक फ्लो में समझ गया है, उसको सेटल रहने दे, है वो सिंपल ही, थोड़ा लॉजिक करेगी तो हो जाएगा तेरा। ये समझ में आया ना सबको? प्लीज टेल मी गाइस। लक्ष्मी, व्हाई वर यू एब्सेंट टुडे फॉर SFM लेक्चर मॉर्निंग में? बोलो कौन सा गाना चल रहा है, सुने दे रहे? इसमें हाँ डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेना भाई। सर इंटरनेट इश्यू वॉज देयर, अब यार दिस इज अ क्या क्या बोल सकते हैं इसमें। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। शुभम पूछ रहा है, बता रहा है, क्या बोल रहा है? चलो गाइज अभी क्लियर एकदम, समझियो एवरीबॉडी, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ठीक है, डन है, डन है, डन 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 है। सुपर, व्हाट ए सम, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। शुभम अरोरा आ सकता है, 100% आ सकता है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो है ICAI मॉड्यूल का। चलो ओके, सो आई होप अपने को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ये केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। और अब अपन करने वाले एक शानदार क्वेश्चन, बट उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में हो सके तो थोड़ा रिवाइज कर लेना, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, चलो वापस से मैं एज यूजुअल रिवाइज तो करवाऊंगा ही कल भी। तुम लोग जितना इसको सॉल्व करोगे, अभी अपन लोग और एक सम सॉल्व करेंगे, एक दो सम में आज होमवर्क देने वाला हूं इसी का, तो और तुम लोग को भी क्लैरिटी आ जाएगा। चलो ठीक है, फॉर नाउ विल टेक द ब्रेक, विल बी बैक।